ऐसी ही एक ट्रेन ने मेरी जिंदगी ही बदल दी। इस कहानी में मेरी एंट्री काफी वक्त बाद हुई, लेकिन इस कहानी की शुरुआत माणिकपुर गांव से होती है। माणिकपुर मेरे गांव श्रीनगर से काफी नजदीक है, जहां पर रामकुमार वर्मा नाम का एक शख्स अपनी दबंगई के लिए काफी मशहूर है। भाई मैं याद हूँ, मैं फंस गया हूँ। राम को मेरे बारे में टिप मिल गई है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। भाई मुझे बचा लो, मुझे जिंदा चला देगा वो। तू कहां पर है भाई? दो नंबर की गली में वो सामने। भाई माफ कर दो, गलती हो गई। जिस पर मुझे यकीन है उसके लिए जान भी दे सकता हूँ, लेकिन दगाबाज को किसी भी सूरत में बख्शता नहीं। जो बच्चे का नाम रखता है बच्चे पर उसका असर आता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस पर मेरा कोई भी असर आए। इस बच्चे को जमीन की तरह शांत और शीतल होना चाहिए, इसलिए मैं इसका नाम रखता हूँ भूमिनाथ। ए भूमि, तुम इसे मिटा क्यों रहे हो? क्योंकि किसी ने मेरे नाम के साथ लड़की का नाम जोड़ दिया है। ये भी तो हो सकता है कि वो तुम्हें पसंद करती हो। अच्छा, ऐसा है क्या? लग तो रहा है इसके पीछे तुम ही हो। बोलो ए अनामिका, तुम कहाँ चली गई? हेलो भूमि, छोटे से ही ऐसा था, लड़कियाँ उसे बहुत पसंद करती थी, पर वो हमेशा उनसे दूर भागता। ये मैं क्या सुन रहा हूँ भूमि? यहाँ सारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बनना चाहते हैं, और तुम वो के श्रीनगर के रामकुमार वर्मा जी की तरह बनना चाहते हो? जी मास्टर जी। बच्चा शांत स्वभाव का हो इसीलिए रामकुमार वर्मा ने उसका नाम ऐसा रखा, पर भूमि तो। चीनी मिनी चाऊ आऊ, क्या रंगीन माहौल है। ये किसकी खातिर आई? मेरे लिए। नेक्स्ट भूमि। वाह क्या माहौल है, इधर भी भूमि नाम का कोई लोफर है क्या? किसी और को नहीं, तुझे ही बुला रहे हैं। अरे अरे रुक, अरे क्या कर रहा है? इसने मास्क नहीं पहना है, मैं नहीं लड़ूंगा। अरे क्या कर रहे तुम लोग? जोर का मच्छर काटा, इसके सोने का टाइम हो गया। ये तो सो गया, अगले वाले का क्या करूंगा? लगता है योगा मास्टर है। कमर में थोड़ी लचक लानी चाहिए। आगे मैं झुकता हूँ। जीत गया, इनाम के पैसे लाओ। अभी नहीं, एक और बाकी है। और बात सुनो, पीछे से नहीं मारने का, जो भी पंच मारना है सामने से मारने का। खून खराब है नहीं चाहिए। गो। अबे इसने तो जबड़ा ही हिला दिया। मकसद मत भूल, बहन की शादी के लिए पैसे चाहिए। राउंड टू। लड़ो लड़ो। देख बंटा है, अपुन ने अपना 15% ले लिया है, बाकी तू रख ले। बहन की शादी के लिए रकम का इंतजाम हो गया, इसको बहन की शादी का कार्ड भेज देना, दावत में जरूर आइएगा। माँ
तेरा जिगर का टुकड़ा आ गया। आ गया, मिल गई फुर्सत। कहाँ था इतने दिनों से? अरे माँ भूल गई क्या, दोस्त की बहन की शादी में हाथ बटाने गया था। शादी तो दिल्ली में थी ना, तो बैंकॉक क्यों गया था? बहू अब तक तो तुम्हारा बेटा मोहल्ले में गुंडागर्दी करता था, अब विदेशों में भी जाके तुम्हारा नाम ऊंचा कर रहा है। चुपचाप खड़ा रहे। क्या ये सच कह रहे हैं? हाँ माँ गया था। शाबाश बेटा, आज खेल में मारधार करके पैसे कमाने गया, इन्हीं पैसों की खातिर कल हो सकता है दूसरों का खून करे, नसीब में यही लिखा है। बच्चे पे उसी का असर होता है जो उसका नामकरण करता है। कहा था मैंने? ऐसा नहीं है, अब वो पहले जैसे नहीं है, उनके चाहने वाले उनकी पूजा करते हैं। अब वही शख्स इसे सुधार सकता है। मेरा भी बिल्कुल यही ख्याल है, अब इसका घूमना और आवारागर्दी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। इतनी गलियां घूम चुका हूँ कि मैप में भी गलियां खत्म हो गई हैं। गली गली नगर नगर कहाँ है तू मेरे जाने जिगर? यही खोली है क्या? यही है वो पटेल का घर। इज्जत से भूमि जी बोल, जबान पे लगाम दे, अगर उसकी बेइज्जती की ना तो तेरी इज्जत को नीलाम कर दूंगा। पटेल बोलता है। इट्स नॉट होम, इट्स टेम्पल। जन्नत जैसा नहीं, ये तो पूरी जन्नत है। जय महाराष्ट्र। टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये यमराज की पायरेटेड कॉपी यहाँ पर क्या कर रही है? मालिक आपके दीदार हो गए। मैं गली का जासूस बनना चाहता हूँ क्योंकि देश के जासूस आप हैं। जय महेशपति। डॉगी को दूर रखना। अरे डूडी इनको बता, ये है बाहुबली, मैं इनका कटप्पा हूँ, ये जासूसी के अब्बा, मैं उनका बच्चा हूँ। मालिक उल्टा हाथ मेरे सिर पर रख दो, मेरी जिंदगी सीधी हो जाएगी। अरे ये सब क्या हो रहा है, कौन दीवानों की तरह चिल्ला रहा है? अरे बोला ना उठ, तू चाहता मैं तुझे अपना असिस्टेंट बनाऊं? हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, मैं आपके लिए रोटी पका सकता हूँ, दाल खिचड़ी बना के खिला सकता हूँ, और जरूरत पड़ने पर दो मिनट में नूडल्स भी खिला सकता हूँ, मूली ककड़ी सबको काट डालूंगा। अब खड़ा क्या है, दफा कर इसे। लात मार के भगा वरना मैं भगा दूंगा। कर रहा था, पहले ही वक्त खराब चल रहा है, ऊपर से ये भी आ गया। चल भाई मारना है तो अंदर कुप्चे में ले जाके मारो। क्या मारा है, मजा आ गया। अरे आप मेरी कला से वाकिफ नहीं है, मैंने इस डॉगी को ऐसी कला सिखाई है जो हर बला से लड़ सकता है। ये बॉल पकड़ता है, मैं फेंकता हूँ, अभी अभी ये पकड़ के आएगा, नजरों के सामने पेश करता हूँ। ले मेरी डॉगी, भाव भाव ला, जमुरे पकड़ के मदारी के पास लाए, डम डम डम, ले आया, शाबाश। देखा मालिक, इस तरह बॉल लाने की कलाकारी कोई भी मदारी अपने बंदर को नहीं सिखा सकता। अगर तुझसे ज्यादा काम का ये कुत्ता है तो मैं तुझे असिस्टेंट क्यों बनाऊँ, इसे ना बना लूँ? काट डालूंगा। जब मैंने चंगेज खान से तलवारबाजी सीखी थी, उसने खुश होके मुझे ये मिनी तलवार दी थी। अकबर बादशाह के सेनापति ने ये चाकू दिया था, और हाँ तेरे बिन लेन देन ने मुझे ये दिया था। क्या ये? पटाखा। पहले इस रिंग को पटाकर इसमें से निकालकर फेंकना पड़ता है, उसके बाद ये सबको फाड़ देता है। इस रिंग को निकाल दो। हाँ निकाल दो। ये क्या कर दिया? अरे ऐसा कौन निकालता है? मैं तो बोला था निकाल दो। ले कैच कैच। ए फटा, ए फटा, ए फटा, ए फटा। अरे मत ले डूडी, उससे तू मुंह में लेगा तो तेरा जूस निकल जाएगा। अरे मेरा जूस निकल जाएगा, दूर रहे, दूर रहे। भाग 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 भाग। अरे रिंग निकालते ही मेरी टिंग टिंग कर डाली। वही ठहरिए, अजी सुनते हैं? क्यों क्या हुआ? देखिए भाई साहब क्या कह रहे हैं। भाई साहब ये लेटर कैसा है, कहीं आपका ट्रांसफर तो नहीं हो रहा? नहीं, सिक्योरिटी देनी है, श्रीनगर के रामकुमार वर्मा की जान को खतरा है, इसलिए मुझे फौरन श्रीनगर के लिए निकलना है। क्या कहा, उनकी जान को खतरा है? सच में? मैं जैसे ही उसे ये बात बताऊंगा वो प्रोटेक्शन लेने से इनकार कर देगा, तो सरकार उसकी बात मान लेगी और मुसीबत मेरे सर से टल जाएगी। कामचोर चाचा, शर्म नहीं आ रही ऐसी बातें करने में? अगर पुलिस हिफाजत करने से कतराएगी तो फिर और कौन करेगा? लाइए ये मुझे दीजिए, ये काम मैं कर लूंगा। ये तुम जैसे आवारों का काम नहीं है, ये पुलिस का काम है। इतिहास गवाह है, पुलिस हमेशा लेट पहुंचती है। आप तो रहने ही दीजिए, मैं वहां पर जाके सब कुछ संभाल लूंगा। ए, तू क्या संभालेगा, पहले तमीज तो सीख। भूल गए, आज मैं और मेरी माँ है तो सिर्फ उन्हीं की बदौलत आज मुझे उनका कर्ज चुकाने का मौका मिल रहा है, तो मैं खुद गर्ज बनकर यहाँ बैठा नहीं रह सकता। अरे आपने वो खत उसे क्यों दे दिया? अगर उसने वो खत पढ़ लिया तो? वो जिस पर भरोसा करता है उस पर शक बिल्कुल नहीं करता है, यही तो खूबी है हमारे भूमि की। भीड़ हो या भेड़ हो या भी पेड़ हो, चलो चलो आगे देखो, तो बम वाला इधर है। कहाँ जा रहे हैं? श्रीनगर के रामकुमार वर्मा के पास जा रहा हूँ मैं। कह रही हूँ ना, गोद में बिठा लूंगी।
अच्छा गोद में, मतलब ये अडॉप्ट करना चाहती है। अरे क्या सोच रहे हैं, इधर आ जाइए। नहीं नहीं पगले, सबके सामने थोड़ी शर्म आती है ना, भीड़ कम होगी तब आता हूँ। मान भी जाइए ना। आई अब तो सबर को कबर में डालना ही पड़ेगा। तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है, मेरे दादा परदादा पूरा परिवार अंग्रेजों के जमाने के जेलर, नहीं टेलर थे। मैं किसी को प्रोटेक्शन देने जा रहा हूँ, मेरे साथ ये पुलिस कमिश्नर भी है। अब देखो ये बाल लोचेगा। लोचा? अरे उनका नाम क्या है? अरे राम कुमार वर्मा को, जिससे सब खौफ खाते हैं। तू भी, मैं भी, इसका बाप भी। सोचो ये अगर उसका बॉडी गार्ड बन के जा रहा है तो इसकी बॉडी में कितना प्रोटीन शेक होगा। मैं तुम सबको प्रोटीन में डुबा डुबा के मारूंगा। माफ करना साहब, आपके बारे में पता नहीं था, नहीं तो आपसे टिकट के पैसे नहीं लेता। हट निकल। राम साहब बस से उतर। हाँ उतर रहा हूँ। टच नहीं करने का, धक्का नहीं, कैच लिया, ऑल आउट। दोबारा तू मेरे पीछे आया ना तो तुझे। मलिका, मीरा कहाँ है? ऊपर है। मीरा, मीरा। हाँ कहाँ है तू? मीरा तेरे घर पे बॉडीगार्ड आया है। बॉडीगार्ड किस लिए? तेरे पापा हमेशा खतरों से घिरे रहते हैं ना, इसीलिए उनकी हिफाजत के लिए बॉडीगार्ड आया है। क्या बेमतलब की बातें कर रही हो? बेमतलब की बात? मेरे पापा ने मुझे बताया। जो हर वक्त खराटे मारते हैं और सोए सोए रहते हैं। राज सम्राट पैलेस यही है, आइए। श्री राम कुमार वर्मा जी का बचपन यही गुजरा है, वो यही पले बड़े। वो फिलहाल घर पर नहीं है, शिकार पर गए। उम्मीद है शाम तक आ जाएंगे, तब तक मैं यहीं पर खर्राटे। भाई साहब मैं सो नहीं रहा था। आया मैं आपको सबसे मिलवाता हूँ। ये राम कुमार जी की बीवी हैं, देविका मैडम। नमस्ते। ये साहब की हिफाजत के लिए सरकार की तरफ से आए हैं, नाम है मोहन राज। नहीं मेरा नाम भूमिनाथ है। नहीं मैं चंद्रकांत। नहीं, इनका फुर्तीला मैनेजर। मेरी इजाजत के बिना यहाँ बिल्ली भी चूहा नहीं पकड़ सकती। खर्राटे उन्हें जब किसी का खतरा ही नहीं है तो हिफाजत की क्या जरूरत। देखिए हमें किसी बॉडीगार्ड की कोई जरूरत नहीं। चंद्रकांत जी मैं सो नहीं रहा था। अरे भाई थोड़ा बहुत तुम भी बता दो, मैडम क्या पूछ रही हैं? जोखिम हमेशा सिर्फ दुश्मनों से नहीं, कभी कभार अपनों से भी हो सकता है। घर अच्छी तरह से देख लो भाई, यहाँ महफिलें जमती हैं। हाँ। क्या यही है वो बॉडीगार्ड? हाँ बेटी। क्या कहा? मालिक की बेटी मीरा। अरे ये तो मुझे मीरा समझ रहा है। हाँ तो समझने देना। भाई साहब मैं सो नहीं रहा था, बोलो क्या हुआ, आओ। इधर आ जा, इधर आ जा। ये बागीचा है। एक बात बता, बॉडीगार्ड के ऐसे होते हैं? घर तो ऐसे देख रहा है जैसे तोड़ के मॉल बनाने वाला हो। ये क्या कर रही तू? मेरी मौजूदगी में परिंदा तो क्या, यहाँ लाल मक्खी भी नहीं घुस सकती। ऐसा क्या? हाँ, आपका कमरा ऊपर है, खर्राटे मारने के लिए। कौन है? कौन है? कितनी बार कहा है कि मैं सो नहीं रहा था? है? कौन है? है? क्या हुआ, मुझे घूर क्यों रहे हो? आपके सिर पर सींग उगाया है ना, इसीलिए। वाह! हैं? तुम्हारे हाथ में तीर? ये कहां से आया? ये कहां से आया? बॉडीगार्ड तो दिख रहा है वीर, इसने निकाले दो दो तीर। अरे वाह, छोकरा काफी चालाक है। चलो चलो चलो। मालिक एयरपोर्ट गए ना, तो मैं भी वहीं जाता हूँ। ठीक है। ओके। तुम कौन हो? अरे ये तो हम मीरा की कंपनी में काम करते हैं। तो मजदूर हो तो यहाँ पर क्या कर रही हो? हम तो बस आपका दीदार करने आए। क्यों, मैं क्या अनारकली हूँ? हाँ वो हम सब पहली बार बॉडीगार्ड देख रहे हैं तो बस चले आए। मुलाजिम होकर इतनी जबान लड़ाती हो? देखिए मीरा जी, आप मालिक की बेटी हैं, इन छोटे लोगों से दूर रहा कीजिए। गोली घुसा दी, गोली घुसा दी, मेरे सिर के अंदर गोली घुसा दी, कोई चूस के गोली निकालो। ये तो चारों दिशाओं में है, कहीं इसने मुझे देख तो नहीं लिया। देख लेगा तो मैं गली का जासूस नहीं बन पाऊंगा। है कौन है? ए, सर, या कैसे करेले? करेला ऊपर मीठा हूँ मैं। मिस्टर राम अपने बेटे को लेने आए और हमें उनकी हिफाजत करनी है। कड़वे करेले? आसमान तो खुला है,
ये रेनकोट पहन के क्यों घूम रहा है? ये रेनकोट वेनकोट नहीं, जासूस का जैकेट है, जैकेट। ये पहनने से दिमाग जल्दी चलता है। साइन कोलीवाड़ा से पैकेट में आया है। इसमें लोल चुंबक है। कपड़े में लोही चुंबक? जी हाँ सर, इसकी खूबी सुन के आप भी चमक जाएंगे। आस पास जितनी लोहे की चीजें हैं सब आके चिपक जाएंगी, जिससे आप और मैं राम कुमार वर्मा की हिफाजत कर लेंगे, क्योंकि दुश्मन की बंदूक तो हमसे चिपक जाएगी। अरे मैं दिखता हूँ लेकिन आतंकवादी नहीं हूँ, मैं जासूस हूँ, जासूस। ये लोल चमक से चिपकी हुई है, इसमें से गोली निकलेगी तुम में चिपक जाएगी। आपको छोड़ो, बचाओ सर, फूटा टूटा गया। बोलिए भाई। राम कुमार वर्मा आ गया है, खत्म कर दो उसे। जो हुकुम भाई। मालिक पापा, आपको चोट तो नहीं आई ना? अरे नहीं बेटा, शायद कोई जल्दबाजी में होगा इसलिए मुझे धक्का लगा। आओ चले। कहाँ रह गया वो, दिखाई नहीं दे रहा। अरे नींद में हो क्या, पीछे ही तो है। मैं कार्तिक नहीं, बॉडीगार्ड का पूछ रहा था। बॉडीगार्ड? जी मालिक, वो आपको एयरपोर्ट लेने गया था, आपको मिला नहीं क्या? मुंह धो के आओ। हमेशा खर्राटे लेता रहता है। खर्राटे जरूर मारता हूँ पर बात खरी करता हूँ मालिक। आपकी हिफाजत के लिए बॉडीगार्ड आया है। बॉडीगार्ड? जी मालिक। मुझे उसकी क्या जरूरत है? पापा उसने बताया कि आपकी जान को खतरा है। जी हाँ, ये सही कह रही है, उसे गेस्ट रूम में ठहराया है। तुम लोगों के पास दिमाग नहीं है क्या? किसी भी अनजान शख्स पे भरोसा करके उसे अपने घर में जगह दे दी। मैं सो नहीं रहा था मालिक। हाँ बोलिए ना, कहिए। मैं अकेला ही सब के लिए काफी हूँ, उसे आते ही रवाना कर दो, समझ गए ना? जी समझ गया। पापा की बात पे ध्यान मत देना आप, उसे यही रहने दो। हाँ? हम लड़कियों को भी हमारी हिफाजत के लिए ऐसा ही कोई चाहिए। पापा को मैं मना लूंगी। बाप कहता है भगाओ, बेटी कहती है रुकाओ, खर्राटे मार के सोचना पड़ेगा। ओ कंपनी के मुलाजिम, फिर से यहाँ पर, अपने घर जाओ। चलो। वो असल में मालकिन ने बुलाया है, इसलिए वापस आ गई। मालकिन ने बुलाया तो उनका कमरा वहाँ है, ये तो उनके भाई का कमरा है ना? हाँ वो मैं पता नहीं है क्या, उस आदमी का कैरेक्टर कितना लूज है। एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करके तड़ी पार होकर अभी लौटा है। लड़कियाँ उसकी कमजोरी है मालूम? क्या कहा, लड़कियाँ उसकी कमजोरी है? बहुत बड़ी। अरे उसके किससे पास आओ ना। इसने एक बेचारी लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा के पागल कर दिया था। जब बात उसके बाप तक पहुंची तो उसने कहा कि तुझे इससे शादी करनी पड़ेगी, पर ये लूज कैरेक्टर छुप के यहाँ से दुबई भाग गया। कसम से। इतनी सारी जानकारी तुम्हें कहाँ से मिली? बॉडीगार्ड का काम सिर्फ घूरना नहीं होता है, उसका काम है अतीत में झांकना और भविष्य को पूरी तरह से टटोलना, तभी तो अच्छी तरह हिफाजत कर पाएगा। और दुश्मन ताकतवर हुआ तो? तो क्या हुआ, हम भी रोज दूध बादाम खाएंगे, अपनी ताकत को बढ़ाएंगे। लेकिन तुम इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो? ताकत की जरूरत जानवरों को होती है, जिससे वो जंगल पे हुकूमत कर सके। और इंसानों को? इंसानों की जंग को ताकत से नहीं, प्यार से जीता जाता है। अच्छा ठीक है, समझ गया। लेकिन अब इतनी रात के तुम्हारा यहाँ पर रहना महफूज नहीं, इसलिए प्लीज यहाँ से चली जाओ। हे कार्तिक। हाँ आओ मीरा। तुमने किसी लड़की को धोखा दिया हाँ, और फिर मुंह छुपाकर दुबई भाग गए हाँ? ये सब तुमसे किसने कहा? उस लड़की ने खुद मैसेज करके मुझे बताया। छोड़ो बकवास है, जरूर कोई तुम्हें बहका रहा है। तुम
बकवास कर रहे हो? मैं अभी के अभी उस लड़की को यहाँ बुलाकर तुमसे सामना करवा सकती हूँ। तुम हद से आगे बढ़ रही हो। तुम अपनी इज्जत बचाओ, मैं इसे संभालता हूँ। क्या किया तुमने? मेरा भाई है ये। राम कुमार वर्मा की बेटी मीरा मैं हूँ। भाई कार्तिक भैया, कार्तिक भैया, अरे बाप रे, भागो इससे पहले किसी को पता चले। भाग जाओ कार्तिक भैया। अरे यहाँ खड़े खड़े देख क्या रहे हो? निकल जाओ यहाँ से। क्या हो रहा है यहाँ? मीरा कैसी आवाज है ये? अरे जाओ ना, पकड़े गए तो मार डालेंगे तुम्हें। निकलो। मीरा, 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 ये क्या हुआ? कार्तिक, अरे कैसे हो गया ये? किसने किया? देख क्या रही है वो, अरे खड़ी क्या है? जाकर पानी लेकर आ जा। जी कार्तिक बेटा, कार्तिक, कार्तिक ये लीजिए मां। बेटा क्या हुआ तुम्हें? भैया आंखें खोलो। क्या हुआ? कोई हमला हुआ है क्या? कार्तिक को चोट कैसे लगी? मीरा दीदी और छोटे मालिक अंधेरे में पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे। अरे रे रे, अंधेरे में खेलोगे तो चोट तो लगेगी। ए, चुप रहो, ये लोग बच्चे हैं क्या जो भागा दौड़ी करते हुए गिर जाएंगे? अरे नहीं, मैं गलती से नहीं गिरा, किसी ने मुझे चादर उड़ा के बहुत मारा है। क्या, किसकी इतनी मजाल हुई जो तुम्हें घर के अंदर धो दिया? किसने ये जुर्रत की? कौन था वो? मैं था। वो मैंने ने इनके पीछे भागते हुए देखा तो मुझे लगा कोई इनके साथ बदतमीजी कर रहा है। अरे 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 बेड़ा गर्क हो तेरा, मैंने तुझे घर के बाहर रहने के लिए कहा था तो तू घर के अंदर कैसे घुस आया? तुम जानते हो इसे? ये वही है आपका बॉडीगार्ड। सलाम मालिक, मैं ही आपका बॉडीगार्ड हूँ। पापा छोड़ दीजिए उसे, इसकी कोई गलती नहीं है। मेरे मजाक को हकीकत समझ कर भैया को धो डाला। मैंने उसी दिन समझाया था ना तुम्हें, किसी अनजान को घर में नहीं रखते। देखा इस बेवकूफ ने क्या किया? ऐ, ऐसे करते हैं किसी की हिफाजत? मैंने साफ साफ कहा था कि मुझे बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। बात समझ नहीं सकते तो तुम भी चले जाओ बेवकूफ। मालिक, मालिक, मैं सुनिए ना, तुम चाहे जो भी हो दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना वरना मैं तुम्हें दबा जाओ। पापा। हाँ बेटा। वो बॉडीगार्ड जाने से पहले आपके लिए एक चिट्ठी छोड़कर गया है। उसे फाड़कर कचरे के डिब्बे में फेंक दो। नहीं पापा, वो कह रहा था वो आपको अच्छे से जानता है और ये भी बता रहा था कि उसका नाम आप ही ने रखा है, भूमिनाथ। भूमिनाथ? श्री राम कुमार वर्मा जी, मैं माणिकपुर से प्रकाश गुप्ता। इस लेटर को लेकर आने वाला शख्स मेरा बेटा भूमिनाथ है। उसे झूठ बोलकर आपके पास भेजा जा रहा है कि आपकी जान को खतरा है। माफी चाहता हूँ, बस यही एक रास्ता नजर आया आपके पास भेजने का। वो सारा दिन मोहल्ले में आवारागर्दी करता रहता है, उसे सुधारने का सिर्फ आप ही एक जरिया है। हम पर एक एहसान और कर दीजिए। शुक्रिया प्रकाश गुप्ता। जाकर उस चंद्रकांत से कहो कि फौरन उस लड़के को मेरे पास लेकर आ। जाओ। हेलो मालिक, आवाज आ रही है? मैं भूमि बोल रहा हूँ। हाँ भूमि बोल। गाड़ी में बॉम्ब है, गाड़ी में मत बैठिएगा। क्या कहा? मुझे शक है कि गाड़ी में बॉम्ब है। बॉम्ब? कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बहुत शोर है यहाँ। मैं कह रहा हूँ अपनी गाड़ी में मत बैठिएगा, उसमें बॉम्ब हो सकता है। भूमि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, घर पर आ जाओ फिर बात करते हैं। मालिक रुकिए, मालिक। कार्तिक जी, तुम माँ को लेकर घर जाओ, मैं दूसरी गाड़ी में आता हूँ। Oh!
जानवर भी हमारे खिलाफ नहीं थे, पर अब तेरी वजह से सब हमारे पीछे पड़ गए। इससे पहले कि कोई और हादसा हो, चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी लाश जाएगी यहाँ से। चलो बेटी। मालिक, जो कुछ हो रहा है उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम भी हैं। अब जो लड़की कार्तिक से प्यार करती थी, उसने खुदकुशी कर ली। मैं इसे क्यों माफ कर दूं? तेरे माफी मांगने से मेरी बेटी जिंदा तो नहीं हो जाएगी ना, और न ही तेरे बेटे का गुनाह माफ होंगे। ए, मैं तुझे पहले भी बता चुका हूँ, गलती मेरे बेटे की नहीं है। तेरी बेटी ही मेरे बेटे के पीछे पड़ी थी। वो तेरी बेटी का अहंकार है जिसने उसकी जान ले ली। मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगाकर मेरा पूरा परिवार खत्म करना चाहते हो? हम शरीफ तो हैं पर बुजदिल नहीं। ये लड़का हमें मनाकर तुम्हारे पास लाया है, बस यहीं रुक जाओ। अगर मैं जवाब देने पर आ गया तो फिर मैं अपनी बेटी की मौत का बदला जरूर लूंगा, चाहे उसके लिए तेरी बेटी को क्यों ना मारना पड़े। हाँ, क्या बात है, सुबह सुबह कौवा बोल रहा है, मजा आ गया। कौवे की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है मुझे भी गाना वाना शुरू करना चाहिए। ये यहाँ भी? अबे ओ, रुक जा, रिक्शा की औकात नहीं और इतनी बड़ी गाड़ी को हाथ लगाता है। ए, ए, टेम्पलेस, टेम्पलेस, आपको मारना है तो ये डिशो मारिए, लेकिन एक बात दिमाग में बिठा लीजिए कि इस घर का मैं सर्टिफाइड दामाद बन गया हूँ। इतनी बड़ी गलती किसने की? बताता हूँ, बताता हूँ। जाने जिगर जाने मन, यहाँ आओ और इन्हें बताओ हम दोनों की प्रेम कहानी। असल में इन्होंने शुरुआत में मुझे देख कर आँख मारी, फिर मैंने दूसरी आँख मारी, फिर मालिक ने हम दोनों का रिश्ता तय कर दिया और ये इस घर के ऑफिशियल नौकर बन गए। एक और बॉम्ब आ गया। कहाँ गिरा, कौन गिरा, कहाँ गिरा? ए, चुप कर, सुबह सुबह इतना चपड़ चपड़ मत कर। बॉडीगार्ड, मालिक तुम्हें बुला रहे हैं। मालिक, आपने बुलाया था? हाँ, कॉलेज के लिए अपने सर्टिफिकेट्स और डिटेल्स कार्तिक के हवाले कर दो, मीरा के कॉलेज में ही मैं तुम्हारा दाखिला करवाऊंगा। कॉलेज? और मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता, कितनी मुश्किल से तो पढ़ाई छोड़ी थी, वापस उसके चंगुल में नहीं फंसूंगा। तेरी पढ़ाई से हमें कोई मतलब नहीं, आज से तुम मीरा का बॉडीगार्ड है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? सही सुना, मीरा और मेरी बेटी मधु का कॉलेज फिर से शुरू हो रहा है, तुम इनके बॉडीगार्ड रहोगे, ऐसी मालिक की मर्जी है। आपकी बॉडी को गार्ड करना तो ठीक है, लेकिन इनका बॉडीगार्ड बनना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। भूमि, तुम जानते हो ना, देवराज हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ा है। ठीक है, जो हुक्म। चंद्रकांत जी, मैं सो नहीं रहा था। तुम फौरन सबके जाने का इंतजाम करो। जी मालिक, जैसी आपकी मर्जी। सुन लिया, अब इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी है। पारो, इधर आओ, बाहर जो दिख रहा है वो पारो का होने वाला पति है। क्या नाम है उसका? अमावस्या। हाँ, तुम उसके साथ कॉलेज जाओगे,
अब इसे क्यों साथ चिटका रहे हो? तुम पढ़ना वो लालटेन पकड़ेगा और तुम सब वहाँ कॉलेज हॉस्टल में नहीं रहोगे, मालिक के गेस्ट हाउस में रहोगे। ए, सुनो, मीरा की मंगनी हो चुकी है, ये बात हमेशा अपने जहन में रखना, क्यों चंद्रकांत? जी हाँ, सही कहा। इसे समझा दो कि ये ज्यादा होशियारी ना करे, अपने काम से काम रखे। हाँ। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मीरा जी और मेरा रिश्ता सिर्फ वही होगा जो एक मालकिन और बॉडीगार्ड के बीच होना चाहिए। हमारे कॉलेज में आने वाले हर नए विद्यार्थी को ये सूचना दी जाती है कि तोप में सबसे बड़े गोले, इनके बारे में अब क्या ही बोले, सब लोग अपनी आंखें खोले, तालियों से स्वागत कीजिए जो आ रहे हैं होले होले। हाय डार्लिंग। हाय, कैसी हो जाने मन? आजा मेरी गोद में, एक घटकर चल, हाथ पीछे कर। मेरे ना छोटा कद और ये ना बड़ा हाथ, मजाक अच्छा कर लेती हो। ये लो। अरे फूल देना था, इतना बड़ा पेड़ दे दिया, अभी दबके मर जाता तो। हाय दैया, दो तीन पंखुड़िया लाता, उससे काम चला लेता। चल अब इस फूल के पेड़ को मेरे कंधे पे उठा कर रख दे, चल उठा के दे। इससे तो उठा लिया है, ऊपर वाला मुझे ना उठा ले। अब ये कौन है? आज कॉलेज में पेस्ट कंट्रोल है क्या? कोई बार बताना, पहले मैं सब चेक कर लेता हूँ। सब कुछ बिल्कुल ठीक है, आप बाहर आ सकते हैं। पता नहीं कैसे कार्टूनों वाली यूनिफॉर्म पहनी रखी है, सब लोग हमें देख के मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें उड़ाने दीजिए, उन्हें भी तो पता चले मैं बॉडीगार्ड हूँ, वॉचमैन नहीं। हेलो, तुम अपनी यूनिफॉर्म में ही कॉलेज गए हो ना? जी हाँ मालकिन। मेरी बात जहन में तो है ना? कोई बेवकूफी तो नहीं की तुमने? सही सलामत कॉलेज पहुँच गए ना? सब कुछ सही सलामत है, मैं बस इनके पीछे पीछे चल रहा हूँ, हम लोग क्लासरूम की तरफ ही जा रहे हैं। उन पर नजर रखना। जो हुकुम मालकिन। बेवकूफ, जाहिल, नॉनसेंस। अरे लेडीज वॉशरूम के अंदर तेरा क्या काम? वो मैं चुप, अपना मुंह बंद रखो। टॉयलेट में पहरेदारी कौन करता है? तुम्हारी आवारा गर्दी के किस्से बहुत पहले से सुन रखे हैं मैंने, फिर भी तुम्हें इस कॉलेज में क्यों कदम रखने दिया है जानते हो? वर्मा जी की सिफारिश पर। अगर आवारा गर्दी छोड़कर पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते तो तुम्हारे नाम के पोस्टर छपते। अब भी कुछ कर दिखाने के लिए तुम्हारे पास मौका है। ये बड़ बोला सब कुछ बोल देगा। तुम्हारे रिकॉर्ड को देखकर मैं तुम्हें बख्श रहा हूँ, वरना कॉलेज से बाहर निकाल देता। दोबारा कभी लेडीज टॉयलेट में पहरेदारी दोगे? आपकी इजाजत के बिना नहीं जाऊंगा। तो फिर जाओ। कहाँ? लेडीज टॉयलेट में? क्लास में जाओ बेवकूफ कहीं के। ठीक है ठीक है। कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ता है। अब क्या हुआ? कल बाजू वाली ने मुझे बच्चा समझकर गोद में उठा लिया, ऊपर वाला उसका भला करे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ, तशरीफ रखो। मैं तो बैठा ही। भूमि खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ ना। गार्ड बैठते नहीं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठ जाओ ना वहाँ। अरे खड़े क्यों हो, बैठ जाओ बैठ जाओ, कहा ना। अरे कबूतर से पैगाम भेजूं क्या? सॉरी सर। हाँ? कोई तकलीफ है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर मैं बैठ नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं बॉडीगार्ड हूँ। गार्ड बैठेगा तो कैसे चलेगा सर? साइलेंस प्लीज, सब लोग साइलेंस हो जाओ। दिमाग पे जा रहा है। तो बॉडीगार्ड हो, नाम क्या है? नामकरण मुझे ही करना पड़ेगा है? नाम है भूमिनाथ। देखो तुम भूमिनाथ हो या आसमान के, या तो क्लास से बाहर जाओ या फिर यहाँ बैठ जाओ। भूमि प्लीज। माफ करना, देखा। अरे संभाल के, टूट जाएगा। ए चल साइड में खिसक। ओके
बरसों पुरानी बात है, गुरुत्वाकर्षण की खोज जिसने की, उस शख्स ने कहा कि जब कोई भी चीज नीचे गिरती है तो उसकी वजह होती है, और वो वजह है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। मीरा, ये खोज किसने की थी? कम ऑन, उस शख्स का नाम बताओ। सर, क्लास में बैठी हो तो लेक्चर पर ध्यान दो, इधर उधर मत देखो। कॉलेज में पढ़ने आती हो या फिर मटकने के लिए? चुपचाप खड़ी क्यों हो? जवाब चाहिए मुझे, कौन था वो शख्स? सर, दुनिया बोलती है कि न्यूटन ने किया है, लेकिन उसकी खोज की थी भास्कर आचार्य ने। साइलेंस, चुप, साइलेंस। सवाल मीरा से था, तुम मीरा हो क्या? जो जवाब चाहिए था वो आपको तो मिल गया ना। बकवास बंद करो, बाहर जाओ। मैंने कहा बाहर जाओ। ठीक है। मीरा, हैव अ सीट। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, जब कोई चीज नीचे गिरती है। इसकी नजर तो मीरा पर टिकी है, हम पर नजर कौन रखेगा? इसीलिए तो मैंने तुमसे कहा था तुम भूमि के करीब आ जाओ। लेकिन वो तो मुझसे दूर भागता है। मीरा, अगर तुम उससे पीछा छुड़ाना चाहती हो तो आई कैन डू एनीथिंग। कुड़ियों, तुम में से किसी एक को उसे फंसाना होगा, मोहब्बत में। मोहब्बत में? हाँ, कोशिश तो करो जाने में। उसे हमारा चेहरा ही पसंद नहीं आए तो? फेस टू फेस प्यार थोड़ी ना करना है, फोन पे करना है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड हर महीने रिचार्ज तो करवाता है ना, और अगर नहीं करवाता तो मिस कॉल देकर दिमाग की दही कर देना। और हाँ, गलती से भी वीडियो कॉलिंग मत करना। चुप कर रे बाबा, प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना हमें, बस यूनिफॉर्म छुड़वा देना, इतना ही काफी है। कुछ आइडिया दे। तो फिर क्या करें? ये तो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन इस स्त्री से आपकी यूनिफॉर्म इस्त्री करने का मौका दीजिए। जाना पागा मत। बस आप धोने धुलाने का काम कर लीजिए, ये मैं करता हूँ। जा अपना काम कर। वही तो कर रहा हूँ। चल गुलाटी मार। बंदर हूँ क्या? देख लूंगा देख लूंगा। उछलने का शौक है तो जो सर्कस में काम करो ना। यहाँ क्या कर रहे हो? ए मम्मी, इतना बड़ा क्या लटक रहा है? ये जलता है मुझसे, मुझे जासूस नहीं बनने देगा। लगता है झुक झुक के सलाम करना पड़ेगा। ये कमरे में क्या जल रहा है? ये बदबू कहाँ से आ रही है? ये क्या? किसका काम हो सकता है ये? जरूर ये इसी का काम होगा। मम्मी, जला डाला है, मार डाला है पापी, और काला पड़ गया। और अरे, ये कौन चला रहा है? अरे छोड़ दो उसे। जानवरों की तरह क्यों लड़ाई कर रहे हो? मैं कहाँ लड़ाई कर रहा हूँ, मैं तो खर्राटे ले रहा था। पता नहीं इनको कौन सी स्त्री ने चिपकाया कि इन्होंने मुझे चिपका दिया। ये देखो इतना बड़ा जल रहा है, कोई मलम लगाओ ना। अरे क्या कर रहे है? सब लड़कियां खड़ी है और तू क्या दिखा रहा है? दिखाने से दर्द कम होता है, इसमें भी तकलीफ है क्या? अगर तुम लोगों को नहीं देखना है तो आंखें बंद करके मलम लगाओ इसको, नहीं है तुमको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। घिस घिस के लगाओ। मतलब तूने कुछ नहीं किया? नहीं किया। तेरी हरकत का सबूत दिखाऊं मैं? क्या किया मैंने? देख कितने बड़े बड़े छेद किए। कौन सा छेद? ये इसने किया, देख लिया क्या किया? अब बिना बॉडी गार्ड के यूनिफॉर्म के मैं बॉडी को कैसे गार्ड करूंगा, समझ नहीं आ रहा। गुस्सा सही है, लेकिन ये छेद किसने किया? सच्ची सच्ची बता दो, बोलो। तू नहीं किया? छेद और बड़ा हो जाएगा, मैं तो सपने में आइटम सॉन्ग देख रहा था। इसी छुआरे का काम है। ये बेइज्जती। देखिए बॉस, अगर आप मुझे गली का जासूस नहीं बनाना चाहते तो ठीक है, लेकिन आपने मुझे इन सब के सामने बेइज्जत किया ना, तो मैं तुम्हारे पैंट के छेद के अंदर गला फंसा के मर जाऊंगा। पारो की कसम। चुप हो जा वरना तेरी सारी की सारी पोल खोल दूंगा। पोल खोलोगे? चुप करो, को बताओगे? बहुत हो गया, एक मामूली पैंट के लिए इतना हंगामा। मगर इसके बिना मैं कॉलेज कैसे जाऊंगा? ये क्या बात हुई, कोई दूसरी पैंट नहीं है क्या? अरे ये मेरी यूनिफॉर्म थी। तुम स्कूल के बच्चे हो क्या? यूनिफॉर्म पहनोगे? 100% सच, कॉलेज में यूनिफॉर्म पहन के कौन जाता है? अब तो सेल वाले कपड़े पहनो ताकि ये घिसम घिसाई की आदत निकले। कब खोलेगा खून? वंदे मातरम। बस चलो बहुत हो गया, लाइट बंद करके सो जाओ। चलो अंधेरे में सोऊंगा, देखता हूँ कौन रोकता है मुझे सोने से। कल से यूनिफॉर्म पहनना बंद। अब क्या कर रहा वहाँ? यहाँ पर एक और स्त्री होनी चाहिए थी। यहाँ दो स्त्री कैसे हुई? इन छेदों को देखिए, दो एक समान छेद है और यहाँ पर स्त्री एक ही है।
ये ना इंसाफी है। दो स्त्री एक साथ गर्म करके दो छेद बनाए हैं, तो दूसरी होगी। तुझे स्त्री का चटका दूँ? कुछ तो गड़बड़ है। ये सब पेरे की तरह क्यों कर रहे हैं? रुके रुके स्टॉप। आपने मेरा अंडमान निकोबार जला दिया है। अगर आपका मन पूरा देश जलाने का है तो घासलेट लेके आऊं। मैं मजाक कर रहा था, सॉरी। अगर सीरियसली ले लिया तो जला डालेंगे। मैं तकिया बनूं आपका सर? ये चोर चोर चोर। अरे ये है, कोई सोने नहीं दे रहा है। लगता है रात दिन मुझे जागना ही पड़ेगा। मीरा दीदी, मधु दीदी, जल्दी दरवाजा खोलिए। हंगामा क्यों मचा रही, क्या हो गया? इधर आइए जल्दी। आखिर हुआ क्या ऐसे? देखो इन्हें। रातों रात नई यूनिफॉर्म सिलवाई है, इसलिए थोड़ी सी ढीली लग रही है। टाइटम टाइट पहना है फिर भी बोलते हैं ढीला है। लगता है इनको कुर्ता पैजामा पहनाना पड़ेगा। ये यूनिफॉर्म कहाँ से आई? कहाँ से लाए इसे? इसे सिलने के लिए टेलर ने रातपाली की है। रातपाली, ए अपना मुंह बंद रखो, आप लोग अभी तक तैयार नहीं हुए। जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे कल रात को चूरन नहीं खाया था? चूरन खाने के बाद बाढ़ आएगी, उसके बाद ही तैयार हो पाऊंगा। बोल दो बॉडीगार्ड को। अरे सुना नहीं बॉडीगार्ड ने क्या कहा? स्टैंड अप बुद्धू, इधर सब डाउन है। अरे जो करना है जल्दी करो। सबसे पहले मैं नहाऊंगा, और नहाने के लिए मुझे सिर्फ कुएं का पानी चाहिए। जाओ कुएं में जाओ और बाल्टी भर के पानी लेकर आओ। मछली भी लाना, प्लास्टिक की। भाई रामकुमार की लड़की कॉलेज में आ गई, और हाँ उसकी हिफाजत के लिए एक बॉडीगार्ड भी है। ए, देख देख कार्टून है। ए, मेरा, तेरे पापा ने अच्छा कार्टून चिपकाया तेरे साथ। उसका हाथ पकड़ के लेके जाओ, वरना कोई बच्चा उठा के लेके जाएगा। मम्मी आखिर ये काला चश्मा क्यों पहना हुआ है? ताकि कोई ना जान सके कि मैं कहाँ देख रहा हूँ और किसे देख रहा हूँ। अब मैं बताती हूँ झांसा कैसे देते। ए मीरा सुन ना, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। अरे इसने जो मंगाया था वो तो दे। बहुत बढ़िया। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। अब नहीं सॉरी, वालेकुम अस्सलाम। मीरा ने तो इसका पोपट बना दिया। मधु अकेली? अब मीरा जी कहाँ? वो अभी अंदर है, आती होगी। मीरा जी, आपका पेट खराब है क्या? मीरा जी, मीरा जी, सर आप अपने कैबिन में क्यों नहीं? बेवकूफ, जाहिल, नॉनसेंस, फूल। नहीं नहीं, आपका कॉलेज है, आप आराम से घूमिए फिरिए। मैं तो बॉडीगार्ड हूँ, मैं अपने काम पर जाता हूँ। ओके। आखिर ये कौन सा खजाना ढूंढने जाता है टॉयलेट में? चलो पता लगाता हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा। डांस बंद क्यों कर दिया? चलो शुरू हो जाओ। एक मिनट रुको, ऐसे कोई डांस करता है? बदतमीज, लड़कियों को अपनी बाप की जागीर समझता है? डांस के चक्कर में चांस मार रहा है? भूमि, ये क्या? तुम्हें बीच में आने किसने बोला? तुम्हें तो शर्म है ना? तुम्हें शर्म है कि नहीं? वो कब से तुमसे चिपक रहा था और तुमने उससे कुछ भी नहीं कहा? एक उल्टे हाथ का देना चाहिए था। उसकी बदतमीजी के लिए उसे मारा वो ठीक था, पर उसे भगा क्यों दिया? अब डांस कौन सिखाएगा? Come on girls, चलो यहाँ से। hey, पकड़ो उस लड़की को। रो, hey, रोय, आपके कहाँ है? Hey, बच के कहाँ जाएगा? अदू, तुम फौरन घर जाओ। चलो। Oh!
भेजा है, उसी के कहने पर हमने ये किया है। उसे कह देना कि लौट कर आए भी नहीं, वरना बचेगा नहीं। ठीक है ना बेटी, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? नहीं मम्मी, मुझे खरोच तक नहीं आई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, भूमि ने बचाया। भूमि, तुम पर एतबार करके मैंने अपनी बेटियां भेज दी, जैसे तुम्हारे पिता ने मुझ पर यकीन करके तुम्हें मेरे पास भेजा। तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए, पर मैंने ही तुम्हें इस काम पर लगा दिया। लेकिन अब अगर ऐसा कुछ भी हो तो मुझे इत्तला करो, मैं सबसे संभाल लूंगा। तुम बिल्कुल मत लड़ना, तुम बस अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, और सिर्फ अपने ही नहीं इन लड़कियों की पढ़ाई पर भी ध्यान दो। अब से तुम्हारी ड्यूटी यही है। जो हुकुम। तो शेक्सपियर की स्टोरी के हिसाब से जो निकल, शेक्सपियर की कहानी का जो सार है उसके हिसाब से मैकबेथ ने, मीरा जी भूमि मुझे बहुत नींद आ रही है, हम नोट्स कल कर ले। ठीक है, जाकर सो जाइए, मैं तो पढ़ूंगा। थैंक यू, गुड नाइट। चलो सब साथ में सो जाते हैं। मधु, सुबह 4 बजे फिर से पढ़ाई करनी, आ जाना। 4 बजे? अरे कोई इसको बताओ, 4 बजे तो मुझे नींद आती है। कुछ नहीं, तुम बोलते रहो, हम नोट्स लिख लेंगे। ठीक है, क्या नाटक है? अभी कह रही थी कि नींद आ रही है, अब सोना ही पड़ेगा तुम्हें। अब जाओ, जाकर चुपचाप सो जाओ। चलो चलो, यहाँ का हो गया, हम जाके रातपाली करते हैं। नोट्स लिख के सो जाती हूँ, हम कल पढ़ेंगे। क्या रातपाली मतलब? नहीं, रातपाली मतलब हमारे कमरे में 150-200 मच्छर है, वो मारने, हम दोनों मिलके मारेंगे। अरे दोनों दरवाजे बंद हो गए, बच गया मैं, भूत से बच गया। पापा ने एक और मुसीबत डाल दी, जैसे ही हमारा भूमि से पीछे छूटने वाला था उन्होंने इसे मास्टर बना के सर पे बिठा दिया। मास्टर नहीं, हेडमास्टर। पहले कितना मासूम था और हमारी कितनी फिक्र करता था, लेकिन अब तो किसी आर्मी ऑफिसर की तरह स्ट्रिक्ट हो गया है, और उसकी शुद्ध हिंदी से भी मैं तंग आ गई हूँ। अरे कहाँ जा रही है? मधु, उसे रास्ते पर लाने का कोई तरीका बताओ, कोई आइडिया सोच। दिमाग पर जोर डालने से अच्छा है कि बेड पर जाकर सो जाओ, पता है ना सुबह 4 बजे उठना है। तुम ठीक थी, उसे बदलना किसी के बस की बात नहीं। अच्छा, कॉलेज में उस डेढ़ फुटिया ने हमसे क्या कहा था कि भूमि को किसी से मोहब्बत होनी चाहिए, किसी ने भी कोशिश की? नहीं की ना। मोहब्बत तो छोड़ो, उसके करीब जाने के नाम से ही लड़कियां घबरा जाती हैं। खुद मैं कोशिश करूँ क्या? तू क्यों कोशिश करेगी, अगर पकड़ी गई तो तेरी खैर नहीं, मेरी आवाज़ पहचान भी नहीं पाएगा। तू उसे बेवकूफ़ समझती है क्या? ये देख, इस फोन का कॉलर आईडी रेस्ट्रिक्टेड है, इससे फोन करेंगे तो दूसरे को नंबर नहीं दिखता, प्राइवेट नंबर जो है उसे पता भी नहीं चलेगा। और तेरी आवाज का क्या करेगी? उफ़, आवाज बदलने में तो मैं माहिर हूँ। अच्छा ऐसा क्या? तो करके दिखा। हेलो भूमिनाथ, मैं तुम्हारी जबरी फैन हूँ, बताओ कैसे हो? बता, क्या अभी पहचान लेगा वो मुझे? अरे नहीं, उसका भूत भी नहीं पहचानेगा, तूने ये किया कैसे? चैलेंज है मेरा। मीरा, ये कोई खेल नहीं है, एक बार फिर से सोच ले। मैंने कहा ना, वो मेरी आवाज नहीं पहचान पाएगा। तो उसमें इतनी रात को किसका फोन है? हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो हेलो, फोन लगा के सो गया क्या? हेलो, अरे मीरा। हेलो, कौन फोन कर रहा है? क्यों तंग कर रहे हो मुझे, बात करना तो कर। हेलो, पता नहीं कौन फोन कर करके तंग कर रहा है। कौन है? भूमिनाथ। कौन भूमिनाथ? अबे तेरा बाप। अरे आपके बारे में नहीं, फोन पे कौन बकर बकर कर रहा था? कोई कुछ बोल ही तो नहीं रहा था, पूछ पूछ के थक गया। तो फिर से फोन कीजिए, बैलेंस नहीं है क्या? नंबर नहीं दिख रहा ना। ओ, नंबर इज नॉट कमिंग, फिकर मत करो, कल सुबह उठ के सब संभाल लूंगा। ठीक है, गुड नाइट। अरे बज रहा है, तुम नहीं, मैं उठाऊंगा, अभी पता चल जाएगा कि कौन बोल रहा है, रात को कौन परेशान कर रहा है। देखो अभी बताता हूँ। हेलो, मुंह खोलो। हेलो,
हेलो। इसमें तो एक छोकरी की आवाज आ रही है बॉस। छोकरी की कौन हो सकती है, जरा पूछ तो क्या चाहिए उसको। हेलो मोहतरमा, आप अपना बायोडेटा बताएंगी प्लीज। ये भूमिनाथ का ही नंबर है ना? हाँ हाँ, नंबर भूमिनाथ का है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, आप कौन हैं? लवर। बॉडीगार्ड, लवर का फोन है। अबे तेरी लवर मेरे फोन पे फोन कर रही है? अरे बॉस, आपकी लवर है इसीलिए आपको फोन कर रही है, मेरी वाली के पास तो फोन भी नहीं है। मम्मी, कौन बोल रहा है? इतनी रात को मजाक सोच रहा है? फोन में घुस के मारूंगा, फोन रखो। नहीं 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 नहीं, टूट जाएगा, दो तीन महीने से ये माई नहीं भरा है, बैंक रिकवरी वाले क्या रिकवर करेंगे। कोई बात नहीं, मैं कवर बन के चला जाऊंगा। तरकीब काम कर गई, अब तो मैं चैन की नींद सोऊंगी, बाकी का कल। गुड नाइट। दरवाजा खोलो। आ रही हूँ। गुड अर्ली मॉर्निंग। मॉर्निंग। मुंह हाथ धो, कॉफी पियो और पढ़ने के लिए आओ। मीरा जी चलिए उठिए उठिए। मीरा चल उठ जाना। मीरा जी बहुत देर हो रही है, चलिए उठिए, इतनी देर तक सोना अच्छा नहीं, उठिए चलिए उठिए उठिए, बिस्तर छोड़िए। शैतान है ये। मीरा जल्दी तैयार हो जा, वरना वो हेडमास्टर फिर से जान खाने आ जाएगा। शेक्सपियर की कहानी को समझने के लिए उसकी गहराई तक जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए सबसे पहले उसके कैरेक्टर को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले चैप्टर में उसने रिश्तों की बारीकी को समझाया है। चैप्टर का नाम बताओ क्या है? पार्टीशन ऑफ द किंगडम। हाँ चलो किताब खोलो। तो पहली लाइन में जरा पेन देना मधु, मुझे कुछ मार्क करना है। आई रिपीट, द होल प्ले टेक्स ऑफ फ्रॉम अ फनी लव टेस्ट, द क्वेश्चन। द होल प्ले टेक्स ऑफ फ्रॉम अ फनी लव टेस्ट, द क्वेश्चन इज। The whole play takes off from a funny love test. The question is. आप फोन उठा लो ना, वरना बार-बार डिस्टर्ब होगा हमें। नहीं नहीं नहीं, बजने दो, ये इतना जरूरी नहीं है। इग्नोर करते हैं। चलो लिखो। The whole play takes off from a funny. फिर बचा। तुम अपना फोन बंद क्यों नहीं कर देते? नहीं नहीं, मालिक ने कहा है कभी भी अपना फोन बंद मत करना। लो, कट गया। The whole play takes... बार-बार वही चीज़ क्यों बता रहे हो? वो हो गया। Sorry. The question is regarding impending division of the kingdom. Impending division of... आज के लिए इतनी पढ़ाई काफी है। अब तुम लोग जाओ। अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा। जल्दी जाओ। जाओ यहाँ से। जल्दी। ए, तब मैं तो सामने आ मैं... हेलो हेलो, अगर सुन रहा है तो सुन, फिर से फोन किया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरे घर में घुस के तेरे फोन से ही तेरे सारे दांत तोड़ूंगा। देखा मेरा कमाल, तू अपनी हद पार कर रही है मीरा। अब मैं चैन की नींद सोऊंगी। गुड नाइट, बाय बाय। मीरा और कितनी देर सोएगी, उठ जा, रेडी हो जा। इतनी जल्दी भी क्या है? जल्दी भी क्या है, कितना वक्त हुआ है पता भी है? सुबह 7 बजे से यूनिफॉर्म पहनकर तेरा बॉडीगार्ड इंतजार कर रहा है। बहुत हो गया, इस यूनिफॉर्म वाले का तो कुछ करना पड़ेगा, देखती हूँ। पार्वती नंबियार, एबीसीडी आ गई, मैंने पढ़ लिया पढ़ लिया। लीजिए आपके लिए फोन है पार्वती जी का, बात कर लीजिए। फिर से फोन कर रही है? ये नई आंटी है, कौन है? आंटी नहीं, ये कल रात वाली घंटी है जो अब तक बज रही है। अच्छा, चाइनीज फोन में चाइनीज में लेके आता है। अब इसको नहीं छोड़ूंगा, आज के बाद ये किसी को फोन लगाने लायक नहीं रहेगी। अरे फोन उठा के गाली दीजिए, कट जाएगा। अभी देता हूँ, तू निकल। ठीक है, मैं भी काटता हूँ। कौन है रे तू, छिपकली? दिमाग में चिपकी हुई है? हिम्मत है तो सामने आना, फिर देख कैसे तेरा इलाज करता हूँ।
मेरा तो कोई इलाज ही नहीं, मैं पागल जो हूँ तुम्हारे लिए। मेरे लिए? तुम्हारा वो काला यूनिफॉर्म, उस पर काला चश्मा, तुम्हारा चलना, स्टाइल, सब मुझे पसंद है। तुम तो मेरे हीरो हो। मैं हीरो? कब बना? कैसे बना? मैं तो हीरो हूँ, पर तू खुद को हीरोइन मत समझ, तू एक नंबर की विलन है। विलन? तूने क्या मुझे दूध पीता बच्चा समझा है? जो तू मुझे कहानी सुनाएगी और मैं बच्चों की तरह तेरे पीछे आ जाऊंगा। मैं तेरे चक्कर में फंसने वाला नहीं, तुम जैसी लड़कियों को मैं पहचानता हूँ। क्या तुम मुझे पहचानते हो? हाँ, बाबू बाबू बोल के तुम जैसी लड़कियाँ रिचार्ज करवाती हूँ। चल फोन रख। चिपकली। क्या हुआ? अब अगर दोबारा वो यूनिफॉर्म में दिखा, मतलब हमारा कॉल करना फेल हो गया। पर अगर यूनिफॉर्म में नहीं दिखा, मतलब हमारी तरकीब उस पर काम कर गई। अरे सुनते हो, मेरी बात तो सुनो। बोल ना पा रहे हो। बॉडीगार्ड ने अपना यूनिफॉर्म उतार दिया। उतार दिया? तूने उसे लंगोट में देखा? खिड़की खुली थी तो देख लिया। देख लिया? ऊपर से नीचे तक देख लिया। एक तो तूने मेरी पत्नी होने के बावजूद उसे आधा नंगा देख लिया। अच्छा, सच सच बता कब से चल रहा है, और तू वहाँ घुटुर घुटुर किसको देख रही है? भाई के पास पैसे नहीं थे, यूनिफॉर्म बेच दिया। ये क्या बॉस, पैसे मांग लेते? अरे, क्या कुछ भी। अरे तू चुप रह, मेरा भाई तकलीफ में। भूमि, आज यूनिफॉर्म नहीं पहनी, कुछ खास है क्या? काफी दिनों से कुछ चेंज नहीं था तो मैंने सोचा स्टाइल चेंज कर लूं। मैं तुम्हारे लिए अपना गुल्लक भी तोड़ दूंगा। अबे छोटे वाला चेंज नहीं, आप चलिए इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, चलिए। बदल गई है चाल, आखिर किसने फेंका ये जाल? देखा मेरी तरकीब काम कर गई, जो पहले लड़कियों से चिढ़ता था, देखो अब कैसे घूर घूर के देख रहा है उन्हें। बाहर आने इडली सांभर लगाए, चलो खा के आते। पीछे देखो वो आ रहा है। क्या बात है चिकने, मस्के में नहा के आया है क्या? किसी को पटाना चाहते हो? पटाने का तो नहीं, पर किसी को पटक के मारने का इरादा जरूर बन सकता है, संभल के रहना। अरे संभल के। शुक्रिया मेरे भाई, जाते जाते तुम्हारी गोद में गिरा गया, मजा आ रहा है। अगर उसे भनक लगी तो हम गए। तू अपना मुंह बंद रखेगी ना तो कुछ नहीं होगा, अब चुप रह। हेलो। एक सेकंड। एक बार फिर से बोलो। हेलो। थोड़ा सा ऊंचा। हेलो। नहीं, थोड़ा सा धीमा, जैसे किसी को रिझाना चाहती हो। हेलो। हेलो। वो बात नहीं है। मीरा वो आ गया। अरे वो आ गया, आ गया, आ गया। अरे हेलो हेलो हेलो। हे कहाँ पे तू, कहाँ छुपी है सामने? दीदार तो तुम्हारा ही करना है, मैं आ रही हूँ। रुक रुक, अपने फोन में हेलो बोल, जल्दी बोल फोन में। ए खिसक गई है क्या? चल जा। नहीं बेबी तुम्हें नहीं, कोई पागल दिमाग खा रहा था, पता नहीं कहाँ से आया है। तू यहीं कहीं छुपी हुई है ना? जब तुम उस लड़की से बात कर रहे थे ना, उसी वक्त मैं वहाँ से गुजरी। जितना चाहे छुप ले, आज तो मैं तुझे ढूंढ के रहूंगा, कुछ भी कर ले तू। शर्त लगा ले, 15 मिनट में तू मेरे हाथ में होगी। ये शर्त पर तो रहने दो, मुझसे बस प्यार भरी बातें करो, पलक झपकते ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, कातिलाना मुस्कान के साथ। कातिलाना मुस्कान वाली, एक बार सामने तो आ, तेरा कत्ल ही कर दूंगा, 15 मिनट में तेरा खेल खत्म। 15 मिनट की क्या बात करते हो, तुम्हारी पूरी उम्र निकल जाएगी ढूंढने में, फिर भी ढूंढ नहीं पाओगे। खुद को ज्यादा शाना मत समझ, तूने बहुत गलत आदमी से पंगा लिया है। तुझे जो यूनिफॉर्म अच्छी लगी थी वो जला के फेंक दी मैंने। कौन से बिल में छुप के बात कर रही है, सामने आ नागिन। लेकिन इन कपड़ों में भी काफी डैशिंग लग रहे हो, बस शर्ट को टक इन कर लो और बालों में थोड़ा जेल वेल लगा के सेट कर लो, एक बार ट्राई कर लो, अच्छे लगोगे, लेटेस्ट ट्रेंड है। अरे टक इन तो क्या, मैं उल्टी शर्ट पहन के घूमूंगा, क्या कर लेगी तू? हाँ अरे दम है तो नाम बताना, तेरे माँ बाप नाम रखना भूल गए क्या? नाम जान के क्या करोगे, लेकिन अब इतने बेचैन हो तो बता देती हूँ, अनामिका। अनामिका? हेलो। अच्छा तो पहले शराफत से नाम क्यों नहीं बताया? हेलो हेलो
लेकिन इन कपड़ों में भी काफी डैशिंग लग रहे हो। बस शर्ट को टक इन कर लो और बालों में थोड़ा जेल वेल लगा के सेट कर लो। सच में बाल सेट कर रहा है, लगता है मोहब्बत में गिर रहा है। अब आएगा मजा। हेलो, मुझे पता था तुम फोन करोगी। देखो मजाक छोड़ो, मुझे अपना असली नाम बताओ। अनामिका। छुपाना है। अच्छा ये तो बताओ तुम कौन सी स्टैंडर्ड में हो। अच्छा कम से कम ये तो बताओ आर्ट्स में हो या कॉमर्स में। किस लिए? ताकि तुम मुझसे मिलके मेरा भरता बना सको, है ना? भरता कहाँ, हलवा बनाऊंगा। अच्छा तुम्हारे दिल में मेरे लिए मिठास आ गई है। एक बार तुम्हें देख लेता तो मिठास बढ़ जाती। देख सकते हो, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें उस लड़की का पीछा करना बंद करना होगा। पीछा करना? किसकी बात कर रही हो तुम? मेरा और कौन? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम उसके नौकर की तरह उसके आगे पीछे घूमते रहते हो। खुद को क्या समझती है वो? मिस यूनिवर्स है क्या? तुम्हारे जैसे नेक इंसान को उंगलियों पे नचाती है। वाहियात लड़की है वो। चुप कर। देवी जैसी लड़की को तुम बदनाम कर रही हो। मीरा जी के खिलाफ तुमने गलत बात करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आज के बाद मुझे फोन मत करना, कभी भी नहीं। देखो तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो। मीरा जी का दुश्मन मेरा दुश्मन। फोन रखो। ए, 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 कट मत करना। आइंदा से मीरा के बारे में एक भी लफ्ज गलत नहीं कहूंगी, कसम से। मैं मीरा जी के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता। मुझे नहीं पता था तुम्हारी नजर में मीरा की इतनी इज्जत है। सॉरी यार। आइंदा से ध्यान रखना। कुछ तो अलग होगा उसमें जो तुम उसे इतना पसंद करते हो। बोलो ना, चुप क्यों हो गए? मेरी क्या औकात, जो मीरा जैसी नेक और शरीफ लड़की को पसंद करूं, मैं तो उन्हें मानता हूं। बहुत महान है वो। इतने अमीर और रईस आदमी की बेटी होने के बावजूद उनमें रत्ती भर भी खमंड नहीं है। एम्प्लॉयज के साथ ऐसे रहती है जैसे उन्हीं में से एक हूं। उनकी ये खूबी मुझे बहुत अच्छी लगी। ऐसी उनमें हजारों खूबियां हैं जो मैं बयान नहीं कर सकता। मीरा जी लाखों में एक है। मेरे मालिक की सोच थी कि बदला लेना ही जरूरी है, पर अब वो माफ करना सीख गए और उन्हें यह सिखाया मीरा जी ने। अरे वो ही क्या, उन्होंने तो मुझ जैसे आवारा की सोच भी बहुत ही आसानी से बदल दी। उन्होंने मुझे सिखाया कि ताकत तो जानवरों को चाहिए, इंसान तो सिर्फ मोहब्बत से दुनिया की मुश्किल से मुश्किल चीज को जीत सकता है। ऐसी है मीरा जी। मैं यहाँ मालिक की हिफाजत करने आया था, उनका बॉडीगार्ड बनने, पर अब मीरा जी का बॉडीगार्ड बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अब सोचो जिसकी मेरी नजरों में इतनी इज्जत है, तुमने उस पर उंगली उठाई तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? तुम्हें शायद बुरा लगा होगा। आई एम सॉरी, दिल पे मत लेना। नहीं नहीं भूमि, तुम माफी मत मांगो, तुम गलत नहीं हो। ये मैंने अब जाना है और मैं तुमसे आई लव यू भूमि। हेलो भूमि, तुम मुझसे मिलना चाहते थे ना? हाँ बोलो, कब मिलना है? तो फिर बाहर आ जाओ। अभी गार्डन में हूँ मैं। बस सीधा चलते आओ। कहाँ हो तुम? यहीं पर। ठीक से देखो, मैं पेड़ के पीछे खड़ी हूँ।
रुको 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 रुको, वहीं पे रुको, मैं तुम्हारे पास आऊंगी, आंखें बंद करके वहीं पे खड़े रहो और मेरे कहने पर ही आंखें खोलना। जल्दी से आ जाओ। अरे थोड़ा सब्र रखो, मैं तुम्हारे करीब आ गई हूँ। अपनी आंखें खोलो। चाय? इतना अच्छा सपना तोड़ दिया, मैंने चाय मांगी थी जो देने आ गई। अरे इसको ऐसे बेइज्जत मत करो, काफी इज्जतदार नौकरानी है, पता है हमारे सेठ ने इसको प्रेग्नेंट भी कर दिया। सेठ ने प्रेग्नेंट कर दिया? ओफो, प्रेग्नेंट नहीं, ओमनन किया। प्रेग्नेंट मतलब गर्भवती। गर्भवती, ठीक है अंदर जा, अगरबत्ती जला और धुआं यहाँ तक आना चाहिए। इंग्लिश मुझे रात में सीखा। जबरदस्ती मालिक पर शक करने लग गया। ए नल्ला जासूस, बोलिए बॉडीगार्ड। आज वो मेरे ख्वाब में आई थी। कौन पारो? अरे तो मेरे सपने में नहीं आती, बाकी सबके सपने में जाती है। अरे बात तो सुन, तेरी पारो नहीं रही, मेरी अनामिका। हाँ अनामिका, दिल दिया दर लिया। अरे क्या देखा उसके थोबड़े के बारे में बताओ ना। कहाँ देखा यार, ये पारो जो आ गई, चेहरा देखने से पहले ही उठा लिया। उठा दिया? आपके साथ कुछ लोचा है बॉस, आप उठते उठते सो जाते हैं, सोते सोते उठ जाते हैं, ये क्या हो रहा है? अबे सोने के बाद ही ख्वाब आते हैं। 100% सच कहा, कामयाबी वही हासिल करते हैं जो आंख बंद करके ख्वाब देखते हैं। मैंने कुछ गलत बोला क्या? तब तक मैं खुली आंखों से आपके लिए सपना देखता हूँ। अच्छा सपने में क्या चाहिए? मेरा तजुर्बा कहता है शादी एक ख्वाब की तरह होती है, नींद में आंखें खुली रखनी चाहिए। अगर एक्सीडेंट हो गया ना तो आपकी बॉडी को कबूतर लेके उड़ जाते हैं। लॉकडाउन के बाद कबूतर कम हो गए हैं, इसलिए चील आएगी। चल भट। चील नहीं, जस्ट चील। ए पारो क्या हुआ? बॉडीगार्ड नहीं दिख रहा। कहाँ से दिखेगा, गर्ल्स हॉस्टल जो गया है। वो आ जाएंगे बॉस, एक बात बताइए आप उसे पहचानेंगे कैसे? अरे नामिका उसका असली नाम नहीं, नकली नाम है। नकली, इसमें भी पायरेसी है। ये तो पक्का है ना कि वो लड़की ही है। अब जब भी वो फोन करेगी तो मैं उसे बातों में उलझाऊंगा। तू फटाफट गर्ल्स हॉस्टल में चले जाना और देखना जो भी लड़की फोन पे हो उसका फोटो ले लेना, फिर वो पकड़ी जाएगी। आप एक काम कीजिए, उसके साथ बकर बकर कीजिए, मैं हॉस्टल में जाके उसका खचक से फोटो खींच के आता हूँ। नहीं नहीं मैं समझ गया, आप उनको बोलना कि सूरज की रोशनी में तू खूबसूरत लगती है, वो बाहर आएगी और मैं खचक से फोटो खींच लूंगा। अबे वहाँ का, इस तरफ जा। हाँ यहाँ यहाँ। हेलो, आज तुम्हारी ड्यूटी मेरे हॉस्टल के बाहर लगी है क्या? अच्छा तुम हॉस्टल में रहती हो, मुझे नहीं पता था। वैसे तुम्हारा नंबर भी नहीं पता। तुम्हें रूम नंबर चाहिए या मेरा फोन नंबर? कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं सब पता लगा लूंगा अपने ही दम पर। तू कहां मैं ढूंढूंगा तुझे, यहां वहां। कौन आ सकती? यहां की वार्डन ना बहुत खड़ूस है। अच्छा तो अब मिल ही गई बॉस के दिल रुबा, अभी फोटो खींचता हूँ। इसकी तो पीठ दिख रही है, फोटो सामने से खींचनी पड़ेगी। नहीं मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं, क्या करूँ क्या ना करूँ, कैसी मुश्किल। हाय तो मुझसे हमेशा झूठ बोलते हो, हमेशा झूठे वादे करते हो। मुझे पता है तुम उसके साथ पिक्चर देखने गए थे। ये झगड़ा कर रही है? हाँ प्यार में झगड़े भी तो होते हैं। फोटो लेता हूँ फिर पता चलेगा। माँ कसम यहाँ बहुत सारी लड़की है। तुझे बताया तो था ना मैंने उस बारे में, मैं हमेशा से तुम्हारी। अरे हाँ याद है, मुझे याद है अच्छी तरह। लगता है इसी जगह से लड़कों की बर्बादी की प्लानिंग होती है। नोट्स ले आऊंगी मैं। भाई के लिए लड़की खोजते खोजते मैं इस भीड़ में खो ना जाऊँ, एक काम करता हूँ किसी की भी फोटो दिखा देता हूँ। खींच 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 ले बेटा खींच। एक ये कौन बह रुपया है? इधर कौन है कहना? अरे बाप रे, अरे भूकंप आ गया, अब बच नहीं पाऊंगा। अरे हिलना बंद कर, समूह हमारा, ग्रुप में हमारा। बाहर कोई मोर्चा गुजर रहा है क्या? अरे नहीं, शायद कोई जंगली भालू यहाँ आजाद घूम रहा था, उसे सब पकड़ के वापस जंगल ले जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, बाद में फोन करती हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, तुम बात करती रहो, जारी रखो, मैं सुन रहा हूँ। कबूतरों को डाल देना इसे, दोबारा यहाँ नजर नहीं आना चाहिए, मुझसे पंगा। हाँ ठीक है। ये भालू तो मेरा ही पालतू है, जरा होल्ड करना प्लीज। अरे रुको, उसका केयर टेकर मैं हूँ। धीरे धीरे धीरे। हाँ जितनी हड्डियां नहीं है उतनी तो तोड़ डाली लड़कियों ने, उनको हाय लगेगी। बदला लूंगा,
चुन चुन के लूंगा, चुन चुन के। नाटक छोड़ो, फाटक पे लिटा लिटा के मारा है। किसने तोड़ा? आजा आजा, मलम लगा। किसने मारा? अरे कुछ नहीं, वो एक छोटे से कुएं में गिर गया था। अरे भगवान से डरो बस, मुझे तोड़ डाला। क्या आए हो या गिर के आए हो? क्या फर्क पड़ता है, आँख खोल के बंद करके सारी लड़कियों ने मारा है। आज पता हाँ? चल गया लड़कियां कितनी बेरहम होती है। तेरे को भी तलाक देता हूँ। कोई बकवास की होगी। अरे जरूरी थोड़ी है कि हर बार गलती मेरी हो। मेरे को ऐसा लगता है मेरा जैसा हसीन लड़का उन्होंने आज तक देखा नहीं होगा, इसीलिए वो सारी की सारी एक साथ मुझ पर आकर टूट पड़ी थी। किसी ने पैर उठा के मारा, किसी ने घुटना मारा, पता नहीं ऐसा क्यों लगा गले में कुछ अटक गया हो। जबानी तो बची है, उसमें हड्डी होती तो वो भी तोड़ देती। पारो अंदर चल, डीप में बताता हूँ कहाँ कहाँ मारा है, कहाँ नहीं मारा है। आखिर तुम्हें इतनी मार कैसे लग गई? अरे कैसे लगी है मत पूछो, कहाँ कहाँ लगी है ये पूछो। बाहर की हड्डी अंदर चली गई और अंदर की बाहर निकल आई। जब इसे मार पड़ रही थी तब तुम कहाँ थे? वो मैं एक जरूरी फोन पे बात कर रहा था तो। उसी फोन की वजह से लड़कियों ने मुझे स्केयर क्रो बना डाला। लेकिन बॉस आप फिक्र मत करना, आपका ये रहस्य सुलझा के दम लूंगा। पापा। अरे मालिक आप अचानक? मेरी एक जरूरी मीटिंग थी, सोचा तुम लोगों से भी मिल लूं। वैसे तुम सबका कॉलेज कब खत्म हो रहा है? अगले महीने 25 तारीख को। उसके बाद तुम अपने घर चले जाना। ठीक है। अब सिर्फ मीरा के इम्तिहान खत्म होने का इंतजार है। एग्जाम खत्म होने के बाद इसे लंदन जाना है, वहाँ लंदन में ही हम इसकी शादी करवाएंगे। जी अच्छा। भूमि, यहाँ इस तरह अकेले क्यों बैठे हो? नहीं बस यूं ही, आपको कुछ चाहिए लेकर? खड़े क्यों हो, बैठो ना, बैठ जाओ। असल में मुझे काफी वक्त से तुमसे कुछ कहना था। जी कहिए कहिए ना, क्या हुआ? मीरा तू अपना फोन क्यों नहीं लेकर आई? पापा ने कॉल किया, चल जल्दी आ। बाद में बात करते हैं। कोई फोन वो नहीं आया, मैंने तुझे झूठ बोला। आखिर ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी थी तुझे उससे? कुछ भी नहीं। मीरा तेरी हरकतें देखकर मुझे घबराहट हो रही है, शायद तेरे जहन से निकल गया कि तेरी मंगनी हो चुकी है। शायद ऊपर वाले की कुछ और ही मर्जी है, वरना भूमि मेरी जिंदगी में कभी नहीं आता। खुली आंखों से ख्वाब देखना बंद कर दे, वो तुझसे मोहब्बत नहीं करता। मैं भी अब मीरा नहीं हूँ, भूमि की अनामिका बनना ही अब मेरी पहचान बन गई है। उसके सिवा जिंदगी में कुछ रहा नहीं है अब। तेरे पापा को खबर लग गई तो क्या होगा? तू शायद भूमि को जानती नहीं है, वो तेरे पापा को भगवान मानता है, वो उन्हें कभी दगा नहीं देगा, कभी भी नहीं। सर एक बार सोच के देखो मीरा, अगर उसे पता चल गया कि अनामिका बन के तू उसे फोन कर रही थी तो सोच, वो तेरे प्यार को कभी नहीं अपनाएगा, ये तू समझ ले। तूने इस कहानी की शुरुआत तो एक मजाक से की थी मीरा, उस वक्त तो तूने मेरी बात नहीं सुनी थी, पर अब सुन ले, ये सब तू यहीं रोक दे। बॉस बड़े बुजुर्ग कह गए कि अगर खपरेल चटक जाए तो उसे तोड़ देना चाहिए, और जब भेजा चटक जाए। ऐसा मत देखो, कुछ कुछ होता है। मेरा बॉस भी इतना शर्मिला है, शर्मा जाता है। बॉस 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 बॉस, आज रात ठेके पे मिलते हैं, दो दो पैक मारते हैं, देखते हैं, सोचेंगे। टेंशन टेंशन में ये स्टूल मत छोड़ देना बॉस, वरना मैं छूट जाऊंगा। इसको रखता हूँ यहाँ पे। भाई आपको मेरी कसम है, फोन मत उठाना भाई, ये गया मैं। अरे कुछ नहीं हुआ, लगता है मैं स्टील मैन हूँ। हेलो, कब से इंतजार कर रहा था, आज लेट उठी क्या? रात भर नींद ही नहीं आई। अच्छा, मुझे लगा ही था, वैसे कल तो मेरे ख्वाब में आई थी। कैसे दिख रही थी मैं? अरे वही तो, चेहरा नहीं देख पाया। तुम्हें मुझे ख्वाब में देखने की जरूरत ना पड़े, इसलिए मैं तुमसे मुलाकात करूंगी। देखो फिर से मजाक मत करो। नहीं मैं आऊंगी। क्या सच में? तुम्हें यकीन नहीं है क्या, मैं जरूर मिलने आऊंगी। अब तुम बताओ तुम कहो, मैं मिलने आ जाऊंगा। अभी मत आना,
अगले संडे बोटानिकल गार्डन में मिलते हैं। एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट, बस एक मिनट। वो यही आ रहा है। क्या? मीरा जी, ये जो नेक्स्ट संडे है उसपे कोई प्लान है क्या? नहीं, कुछ खास नहीं। क्यों? नहीं, वो मुझे कहीं जाना था इसलिए पूछ रहा। कहाँ? डॉक्टर, डॉक्टर के पास। आपका कोई और प्लान है तो मुझे बोल दीजिए, मैं कैंसिल कर देता हूँ उससे मिलना। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, संडे को तुम जा सकते हो। ठीक है, शुक्रिया। हो गया, संडे फुल फ्री हूँ। बताओ कितने बजे मिलना है? दोपहर को 3 बजे। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं वहाँ 2:45 पहुँच जाऊँगा, ठीक है? अच्छा सुनो ना, मिलने से पहले अपना असली नाम तो बता दो। अब जब मुलाकात होने ही वाली है वही पूछ लेना। ठीक है, अगले संडे 3 बजे। ठीक है, मिलते हैं। हमें बाहर जाना है। भूमि, फटाक से तैयार हो जाना, फिर एक साथ निकलते हैं। आप शायद भूल गई, मेरा आज डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, उसी दिन तो मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा था संडे को कहीं नहीं जाना है। ओ सॉरी भूमि, दिमाग से निकल गया। कोई बात नहीं, हम एक साथ चलते हैं डॉक्टर के पास, उसके बाद आगे निकल जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, साथ में नहीं, उसने मुझे अकेले बुलाया तो अकेले ही जाना पड़ेगा। हाँ तुम अकेले मिल लेना, हम रिसेप्शन पर इंतजार कर लेंगे। ये भी मुमकिन नहीं है। क्यों? गरीब डॉक्टर, उसके पास रिसेप्शन ही नहीं है। ऐसा कौन सा क्लिनिक है, अब तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। क्लिनिक का नाम बताओ। अरे ये नाम हम कौन याद रखता है, हम लोग तो बस उसे दवा खाना ऐसे ही बोलते हैं। भूमि, तुम्हें झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता, सच बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? असल में एक दोस्त से मिलने जाना। अगर दोस्त से मिलना है तो छुपा क्यों रहे हो? इसलिए क्योंकि वो जो दोस्त है वो लड़की है। लड़की? हाँ, वो हमारे ही कॉलेज से है, उससे अक्सर फोन पर बातें होती रहती हैं। पहली बार आज मुलाकात करने वाले हैं। तो क्या तुम उसे प्यार करते हो? वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। सिर्फ अच्छी? दिखने में कैसी है, खूबसूरत है? खाना पहली बार मिलने जा रहा हूँ। देखा भी नहीं? पर वो मुझे देख चुकी है, आज मैं उससे उसका हाथ मांगने वाला हूँ। हाँ? अब मतलब हाथ मिलाऊंगा। अगर वो खूबसूरत नहीं हुई तो, पसंद नहीं आई तो? खूबसूरती तो वक्त की मोहताज होती है, पर सच्चा प्यार नहीं। चेहरा तो उम्र के साथ ढलता रहता है, उसकी क्या अहमियत। हाँ सही बात है, पहले बताते तो अच्छा होता, वक्त बर्बाद मत करो, जाके तैयार हो जाओ। इसका मतलब मैं जा सकता हूँ? शुक्रिया, मैं तैयार होता हूँ। भूमि, मैं भी तुम्हारी उस दोस्त से मिलना चाहती हूँ, साथ में चलूं? मीरा जी, हो सकता है कि वो आपको देख के बुरा मान जाए, क्योंकि वो शिकायत करती है कि मैं हमेशा आपके साथ ही रहता हूँ। वो मुझे नहीं देख पाएगी, मैं किसी जगह पर छिप जाऊंगी। मीरा जी, आप सच में उसे देखना चाहती हैं? हाँ भूमि, मैं उसे देखना चाहती हूँ, प्लीज ले चलो मुझे।
ठीक है, चलिए चलिए। आप मेरा जी यहीं पर कहीं छिप जाइए, मैं वहाँ मिलूँगा तो आप छुप के देख लीजिएगा। वक्त बीत ही नहीं रहा है, एक एक पल भारी जा रहा है। आप मेरी एक छोटी सी मदद कर देंगी? हाँ बोलो ना। फर्ज कर लीजिए कि आप वो हैं। वाकई में नहीं, सिर्फ फर्ज कर लीजिए। उसके सामने जबान बंद ना हो जाए इसलिए मैं सोच रहा था कि आपके साथ थोड़ी प्रैक्टिस कर लूँ। हाँ, साथ देंगी ना? भूमि। अरे तुम आ गई। आप भी मुझे अपनी आंखों पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरे सामने खड़ी हो। अच्छा देखो, सच सच बता दो, तुम मुझसे प्यार करती हो या सिर्फ दिल लगी कर रही हो? रहने दो, तुम्हारा जवाब सुनने का मेरे लिए कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मैं तो तुमसे सच्ची मोहब्बत करने लगा हूं। तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तुम मेरी जिंदगी हो। अरे माफ करना, वो माफ कर दीजिए मीरा जी, मैंने कुछ जरूरत से ज्यादा तो नहीं बोल दिया, ठीक है ना? अब अच्छे से बोल पाऊंगा। ओके, अब मुझे ऑल द बेस्ट नहीं कहेंगे आप? ऑल द बेस्ट। हाँ शुक्रिया, चलता हूँ। मैंने देखा ही नहीं कि मैं आता हूँ। हेलो, हाँ मैं पार्क में हूँ, तुम कहाँ पे हो? मैं दिख रहा हूँ तुम्हें? मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती, और तुम मुझे कभी देख भी नहीं पाओगे। अचानक ये तुम मीरा को साथ क्यों ले आए? मोहब्बत मुझसे करते हो और इजहार उससे करते हो? अरे अनामिका, वो ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम समझ रही हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आ रहा? धोखेबाज, इतने दिनों से तुम मुझसे झूठ कह रहे थे। आई हेट यू। अरे वो मीरा जी आने की जिद कर रही थी, अब तुम्हें बताओ कैसे मना करता? वो मतलब तुम मुझसे ज्यादा उसका कहना मानते हो? मेरा भरोसा करो, ऐसा कुछ नहीं है। एक तो तुम मुझसे मिलने मीरा को साथ लेकर आए हो और कह रहे हो भरोसा करो। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, मेरा भरोसा टूट चुका है। अगर तुमने शादी के बाद धोखा दिया तो मैं कहां जाऊंगी? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? धोखा देने से पहले मैं अपनी जान दे दूंगा। नहीं, अब मुझे कुछ नहीं सुनना, आज के बाद कभी फोन नहीं करूंगी और मुझे कॉल करने की कोशिश भी मत करना। तुम मेरी गुड बाय। हेलो हेलो, क्या हुआ, कैसी है वो? क्या पता, वो तो आई नहीं। ऐसे कैसे, क्यों? वो मैं आपके साथ प्रैक्टिस कर रहा था, उसने सुन लिया और गलत समझ में आ गई। अब क्या? कुछ नहीं, बस थोड़ा नाराज हो गई और उसने फोन काट दिया। ओह, मुझसे गलती हो गई, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। नहीं, कैसी बातें कर रही है, मुझे अपने प्यार पे यकीन है। देख लीजिएगा, आज नहीं तो कल वो मुझे 100% फोन करेगी। आइए चलिए। इतने यकीन से कैसे कह रहे हो वो तुम्हें कॉल करेगी? क्योंकि मैं जानता हूँ वो भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करती है, इसलिए जरूर फोन करेगी। भूमि, ये सब क्या है? एग्जाम में बस एक हफ्ता बाकी है और पढ़ाई में तुम्हारा जहन ही नहीं है।
अब क्या फायदा पढ़ाई करके, मुझे कौन सा एग्जाम देना। मैं यहाँ पर आया था बॉडीगार्ड बनने के लिए, कॉलेज ज्वाइन करके एग्जाम देने नहीं। लेकिन आप दोनों को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप लोग यहाँ पढ़ने ही आई थी। अगर तुम एग्जाम नहीं दोगे तो हम भी एग्जाम नहीं देंगे। ये क्या बात हुई, आप लोग क्यों नहीं देंगी? तुम्हारी वजह से। अगर तुम एग्जाम नहीं दे रहे तो हम भी नहीं दे रहे। अब... अच्छा ठीक है, आपका कहना मान लेता हूँ। ठीक है चलिए, मैं एग्जाम दूंगा। तो अपने फोन को साइड में फेंको और किताब को उठाओ। कर रही है अभी तो ये मजाक खत्म हुआ है, तू दोबारा ये सब शुरू करने की गलती मत कर। तुम उसकी हालत नहीं देख रही क्या? अगर मैंने उसे फोन नहीं किया तो वो कभी एग्जाम में नहीं बैठेगा। बस आखिरी बार फोन करने दो उसे, उसे सिर्फ एग्जाम देने के लिए कहूंगी, इसके बाद कभी फोन नहीं करूंगी उसे, यकीन मानो। हेलो, मुझे पता था तुम फोन करोगी। तुम्हारी नाराजगी दूर हो गई या अब भी मुझसे नाराजी हो? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा एग्जाम है ना, इसीलिए तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। तुम पढ़ाई तो कर रहे हो ना? काहे की पढ़ाई, मेरा तो एग्जाम देने का मन ही नहीं कर रहा है। मीरा जी भी आज डांट रही थी। एग्जाम नहीं दे रहे हो क्यों? एक बात सुन लो, अगर तुमने एग्जाम नहीं दिया तो मैं तुम्हें कभी फोन नहीं करूंगी। और अगर तुम्हारा फोन आना बंद हुआ तो मैं एग्जाम नहीं दूंगा। अभी फोन किया ना मैंने, अब बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। अगर अच्छे नंबर से पास हुए तो मैं जरूर मिलूंगी। इस बार जरूर मिलोगी ना? हाँ जरूर मिलूंगी। मैं जानता था हम दोनों का मिलना हमारी किस्मत में लिखा है। यस। मीरा जी, उसने फोन किया था क्या? सच में? कहा था ना मैंने फोन करेगी, सच्चा प्यार करती है, देख लिया। कहा अच्छे नंबर ले आए तो मुझसे जरूर मिलेगी। फोटो एड्रेस सब मांग लेना चाहो तो मैं आता हूँ। हाँ हेलो, हाँ कैसी हो? कैसा गया तुम्हारा एग्जाम? मैंने तो पूरा एग्जाम लिखा, पर तुमने वादा पूरा नहीं किया अब तक। तुम खामोश क्यों गए, मिलोगी या नहीं? नहीं नहीं मिल पाऊंगी मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकती। क्यों, ऐसी क्या मुश्किल है कि तुम मेरे सामने आ ही नहीं सकती? बहुत सारी मुश्किलें हैं। देखो मैंने बहुत इंतजार कर लिया, हम मुझसे रहा नहीं जा रहा, तुम्हें मुझसे मिलना ही होगा। अगर मैं आ गई तो वापस नहीं जा पाऊंगी, तुम्हें अपने साथ ले जाना होगा। फिर मजाक शुरू कर दिया? मजाक नहीं सच्चाई है, अपने साथ ले चलोगे ना? तुम अपना हाथ तो दो, जिंदगी भर थामे रखूंगा। जल्दबाजी मत करो, अच्छे से सोच के बोलना, तुम मेरे पापा को नहीं जानते। देखो मैंने फैसला कर लिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगा। बिना मुझे देखे? हम रूबरू नहीं हो पाए तो क्या हुआ, लेकिन हम दोनों की रूह तो कब से एक हो चुकी है। तो कल सुबह तुम मुझे रेलवे स्टेशन पे मिलो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। क्या कल छोड़ के कोई भी दिन बोलो, क्योंकि मुझे कल मीरा जी को छोड़ने जाना है। अगर तुम मीरा को छोड़ने गए तो मुझे हमेशा के लिए खो दोगे। क्यों, तुम्हें क्यों खो दूंगा? तब तक मेरे घर वाले मुझे अपने साथ कहीं और ले जाएंगे। फिर मैं मीरा जी से बात कर लूंगा। अच्छा सुनो, मैं अगर रास्ते में अपने माँ बाप से मिलूं तो कोई एतराज तो नहीं है तुम्हें? ऐसा मत करना, वरना हमारा मिलना मुश्किल हो सकता है। मैं सवेरे यहाँ से निकलने से पहले तुम्हें कॉल करूंगी, ओके?
अब रखती हूँ। मीरा जी, कुछ बात करनी थी आपसे। मीरा जी, अभी थोड़ी देर पहले उसका फोन आया था, कह रहे थे कि उसके माँ बाप के आने से पहले वो चाहती है कि कल मैं उसे यहाँ से कहीं दूर ले जाऊँ। आप समझ सकती हैं ना मीरा जी। तो फिर तुमने क्या कहा? मैं मान गया। तुमने ऐसा क्यों कहा? अगर घर वालों ने कुछ उल्टा सीधा किया तो? मुझे कोई परवाह नहीं, वैसे भी मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरे सर पे मालिक का हाथ है। अफसोस बस इस बात का है कि आप लोगों को मुझे इस तरह छोड़ के जाना पड़ेगा, इसलिए आप दोनों को कल मेरा असिस्टेंट घर छोड़ देगा। आपका कोई एतराज तो नहीं है? ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। आप दोनों से इल्तिजा है कि दुआ कीजिए कल कुछ गड़बड़ ना हो। मीरा, तूने जो भी फैसला लिया बिल्कुल सही है। तूने सिर्फ अपने ही बारे में नहीं सोचा, इसमें उसका भी फायदा है। तू बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं जुबान देती हूँ कि तेरे माँ बाप को बिल्कुल पता नहीं चलेगा जब तक तू उसके साथ यहाँ से कहीं दूर नहीं निकल जाती। हेलो, क्या तुम निकल गए? नहीं, मैं बस अभी निकल ही रहा हूँ। तुम निकल गई? तैयार हो रही हूँ, बस जाने से पहले तुमसे कुछ पूछना था। छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? कैसी बात कर रही हो, तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? यकीन तो खुद से ज्यादा है, पर डर लग रहा है। मुझे देखने के बाद अगर तुम्हारा इरादा जरा भी डगमगाया तो ना मैं तुम्हारे साथ जा पाऊंगी ना अपने घर लौटूंगी चलती ट्रेन से। अरे अरे, ऐसी बातें मत करो, मैं जबान देता हूँ, हालात चाहे कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो ठीक है, फिर मैं स्टेशन पहुंचकर तुम्हें फोन करती हूँ। तुम वहाँ पहुंचकर किसी भी ट्रेन की 2 टिकट्स लेकर किसी भी बोगी में बैठ जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। तुमने कहा था तुम्हें अपने मम्मी पापा से मिलना है, तुम्हें किसी स्टेशन पे बुला लो, वहीं पे मिल लेंगे। ठीक है, मैं उन्हें इत्तला कर देता हूँ। तुम जो कुछ कह रही हो मैं बिल्कुल वैसा करूंगा, लेकिन अगर तुम नहीं आई तो ट्रेन की पटरी पे तुम्हें मेरी लाश मिलेगी। सुनिए जी, उस बॉडीगार्ड ने हमें धोखा दिया है, उसने हमारे भरोसे को तोड़ा है, वो हमारी मीरा के साथ भागने की तैयारी कर रहा है। देविका, उस लड़के पर इल्जाम लगाने से पहले एक बार सोच तो लेती, उस जैसा ईमानदार शख्स हमने आज तक नहीं देखा। वैसे भी वो अच्छी तरह जानता है कि मैं दगाबाजों को कभी माफ नहीं करता। आप समझ क्यों नहीं रहे, ये हमारी बेटी का मसला है। पारो ने मुझे अभी फोन करके बताया है, उसने खुद उन दोनों की बातें सुनी है। बॉस, बॉस, एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है बॉस। क्या हुआ? आपके जाने के बाद कुछ खतरनाक गुंडे आए और मीरा को उठाकर ले गए। ये क्या बकवास कर रहा है तू? मेरे ख्याल से देवराज के आदमी थे, हाईवे की तरफ गए हैं, ये उनकी गाड़ियों के नंबर हैं। हाँ भाई बोलिए। इस वक्त तुम कहाँ हो? अमृत नगर से टर्न ले रहा हूँ। बिना कहीं रुके फौरन मेरे पास आओ। ठीक है भाई, अभी आया। हाँ बोलो पप्पू। भैया जी, वो भी हमारा पीछा कर रहे हैं। वो लड़की तक पहुंचना नहीं चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। चल जल्दी, स्पीड बढ़ा, चल ना ये स्पीड बढ़ा।
तुझे पापा। मेरा इरादा ये नहीं था मारे, समझने की कोशिश कीजिए आप। लेकिन मैं वक्त पे आ गया था मालिक, मेरा जी बिल्कुल सही सलामत है। इंतजार कर रही है या उसी से मिलने जा रहा था, इसलिए मुझे अकेले छोड़कर गया, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ये सच है मालिक, वो रेलवे स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रही, अगर मैं वहां नहीं पहुंचा तो। हाँ पापा प्लीज, ये जो कह रहा है वो सच है, प्लीज इसे जाने दीजिए प्लीज। ठीक है जाओ। लेकिन पापा। तुम जाओ। शुक्रिया मालिक, मेरा जी मैं चलता, शुक्रिया चलता। अनु 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 कहाँ हो? ये फैसला लेने का वक्त था और उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, मर जाने का। उसकी तो जैसे दुनिया ही तबाह हो गई थी, और अगर उसके इस आखिरी लम्हे में मैं वक्त पर ना पहुंचती तो ना जाने। सिद्धार्थ जी। पापा बेटा, तुम्हारा जो भी सामान है उसे ठीक से अपने बैग में रख लो, स्टेशन आने ही वाला है, हमें उतरना होगा। ठीक है पापा। मम्मी आपसे जितना प्यार करती थी आप भी उनसे उतना ही प्यार करते थे। बेटा तुम्हारी माँ मेरे लिए सब कुछ थी, आज मैं जो कुछ भी हूं तुम्हारी माँ की वजह से ही हूं। बेटा इसीलिए तो मैंने उसकी आखिरी ख्वाहिश भी मान ली थी कि मैं कभी श्रीनगर ना जाऊं, पर मैं तुम्हारी जिद के आगे मजबूर हो गया, इसलिए अब वहां जा रहे हैं। थैंक यू पापा। खुश रहो। आइए आइए आइए,
सफर में तकलीफ तो नहीं हुई? छोटे राजकुमार कहाँ हैं? आहा, आप ही का तो इंतजार था साहबजादे। आइए आइए। क्या हुआ? आइए। मालिक देखिए कौन आया है। भूमि तू आ गया। मालिक मालिक आप उठिए मत प्लीज। मालिक संभाल के आजा बेटा। मुझे लगा तुम नहीं आओगे। आपने बुलावा भेजा था, कैसे नहीं आता मैं? तुम्हारी नई पोस्टिंग ऑस्ट्रेलिया में है ना, सोचा तुम्हारे जाने से पहले एक बार तुमसे मिल तो लूं। तुम्हें देखने की बहुत ख्वाहिश थी। तुम्हें तकलीफ तो नहीं थी ना बेटा? अरे कैसी बात कर रहे हैं, इसमें क्या तकलीफ है? आप हुक्म कीजिए। मुझे लगा कि आते ही तुम मीरा के बारे में पूछोगे, पर तुमने उसका जिक्र भी नहीं किया। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया। आप कैसी हैं मीरा जी? वो तो शायद लंदन में सेटल हो गई थी ना, वो वहां ठीक है? मीरा बेटी तो यहीं रहती है। यहीं रहती है? मुझे तो लगा था कि वो इंडिया छोड़ के चली गई। मीरा जी, मीरा जी, मीरा जी। अरे मीरा जी, आप लंदन से वापस आ गए? आपके हस्बैंड और बच्चे भी आए होंगे, वो कहीं दिख नहीं रहे हैं। मीरा बेटी ने अब तक शादी नहीं की। इन्होंने अब तक शादी नहीं की, क्यों? ये कैसे? अरे क्या कि मैं अपनी बीवी से हमेशा कहता था कि जो भी लड़का मीरा जी से शादी करेगा वो बहुत ही खुश नसीब होगा। मैं उस खुश नसीब को ढूंढ नहीं पाया, और जब इसने ढूंढा तो मैं उससे मिला नहीं पाया। शायद मैं उसे पहचान ही नहीं सका। पर ऐसा क्यों मीरा जी? आप इतने सालों से आज तक अकेली हैं, आपने कभी कुछ नहीं कहा, कुछ कहती? तुम्हारा बेटा कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है? आया है ना साथ में? ओह सॉरी। सिद्धार्थ, सिद्धू, सिद्धू बेटा, पता है ये कौन है? ये है तुम्हारी मीरा आंटी। बेचारी मीरा, उस दिन जब मीरा ने मुझे तेरे पापा के पास भेजा, तब उसने शायद ख्यालों में भी नहीं सोचा होगा कि कुछ ऐसा हो जाएगा। ये जो कह रहा है वो सच है, प्लीज इसे जाने दीजिए, प्लीज। ठीक, जाओ। लेकिन पापा। तुम जाओ। पापा आपने इसे छोड़ दिया, ये झूठ बोल रहा है। झूठ कौन बोल रहा है पता चल जाएगा। पप्पू जी भाई, उसके पीछे जाओ। ट्रेन में अगर कोई लड़की दिखे तो उसे छोड़ देना, वरना उसे खत्म कर देना। ठीक है भाई। तो आ गई मीरा, मुझसे भी कई सवाल हुए पर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। बहुत अच्छा किया। अब सुन, तुझे मेरी एक और हेल्प करनी होगी। हाँ? तुम्हें फॉरेन स्टेशन जाकर उसे मिलना होगा। और क्या मैं? हाँ तुम। पापा ने स्टेशन पर गुंडे ये कहकर भेजे हैं कि अगर भूमि के साथ कोई लड़की ना दिखे तो उसे मार डालना। उसे मार देंगे? भूमि को जाकर सच बताना, उसे सारी फोन वाली बात बता देना। उसे कहना उससे फोन पर बात करने वाली लड़की मैं थी। कहना कि वापस आने के बाद मुझसे लड़ाई ना करे, और ये भी कहना कि उसके लौटने तक मैं उसका इंतजार करूंगी। पर क्या मेरे बताने पर वो यकीन करेगा? दूसरा कोई रास्ता नहीं है मधु, और भूमि के पास तो उसका फोन भी नहीं है। हाँ, तुम अपना फोन लेकर जाना, मैं तुम्हें कॉल करूंगी और सारी हकीकत बता दूंगी। मधु अब तुम जाओ यहाँ से।
प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी ट्रेन बस कुछ ही देर में रवाना होगी। सुनो, ये आखिरी ट्रेन है, इसके बाद कोई ट्रेन नहीं है। जल्दी हॉर्सेस, मधु तुम आज तक मुझे बताया कि भूमि भूमि मैं हाँ भाई, वो मेरे सामने ही है और उसके साथ एक लड़की भी है। ठीक है भाई, दोस्त के साथ वो किया जो शायद कभी किसी ने नहीं किया होगा, वो भी मीरा जैसी। तेरे पापा जैसा साथी किसी नसीब वाले को ही मिलते हैं, और इसलिए मेरे कदम भी डगमगा गए और मैं तेरे पापा को एक ऐसी जगह ले आई जहाँ हमें कोई नहीं तलाश सकता था। उन दोनों के साथ किए इस धोखे की सजा मुझे इस बीमारी के रूप में मिली। तेरे पापा ने मुझे बेपनाह प्यार किया, लेकिन वो प्यार शायद मेरी किस्मत में बस कुछ ही वक्त के लिए था। मेरी ये डायरी तुझे तब मिलेगी जब मैं तुझसे बहुत दूर जा चुकी होंगी। बेटा ध्यान रखना, ये डायरी कभी किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। इसे पढ़कर तू इसे फेंक देना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे मरने के बाद तेरे पापा मुझसे नफरत करें। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। हाँ। अरे तुम अब तक सोए नहीं हो? नहीं, नींद नहीं आ रही है। सिद्धार्थ तुम रो रहे हो क्या? नहीं तो? झूठ मत बोलो, तुम्हारे पापा झूठ नहीं बोल पाते और तुम्हें भी झूठ बोलना नहीं आता। क्यों रो रहे थे? मम्मी की याद आ रही थी। सो जाओ, तुम्हें नींद आने तक मैं तुम्हारे पास बैठूंगी। हम्म, एक बात पूछूं, आप मेरी मम्मी से गुस्सा हो गया? गुस्सा? किस लिए? मैं गुस्सा नहीं हूं। हाँ, लेकिन उससे जाने के बाद एक बार मुझसे बात तो करनी चाहिए थी। मुझे बस इसी चीज से नाराजगी है कि आप मेरी मम्मी को माफ कर दोगे ना? तुझे और तेरे बेटे को देखने के लिए और तुझसे माफी मांगने के लिए मैंने तुझे यहां बुलाया था। कैसी बातें कर रहे हैं मालिक। अच्छा, आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए और कोई भी काम हो तो बेझिझक मुझे याद कीजिए। अब मैं चलता हूं, देर हो रही है। चलो मीरा जी। सुनो बेटा, जाओ जरा मीरा बेटी से तो मिल लो।
अब मुझसे वादा करो कि मुझसे दोबारा मिलने जरूर आओगे। क्या मैं आपको मम्मी कह सकता हूँ? हाँ जरूर, तुम बुला सकते हो। क्या आप मेरे साथ मेरी मम्मी बनकर चलेंगी? सिद्धार्थ! अरे बेटा सुनो। माफ कीजिएगा मेरा जी, माफ कीजिए मालिक, पता नहीं उसे क्या हो गया, अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहा है। आप लोग लेकिन बुरा मत मानिएगा, सॉरी, बच्चा समझ के माफ कर दीजिए उसे। मेरा जी उस मासूम को जो अच्छा लगा उसने कह दिया, तुम्हारी तरह उसका भी मन बहुत साफ है, इसलिए मुझे बुरा नहीं लगा। जो मैं कहना चाहता था सिद्धार्थ ने कह दिया। मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी का घर बस जाए। तुम इसे अपनाओगे बेटा? मालिक ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने मीरा जी को कभी उस नजर से देखा नहीं, पर आपने हुक्म दिया है तो। लेकिन मीरा जी आपने सुना ना मालिक, मुझसे क्या चाहते हैं। ये मेरे लिए खुशनसीबी है, लेकिन अगर आप ना चलना चाहें तो मैं बुरा नहीं मानूंगा। मालिक का ध्यान रखना। ये सिद्धार्थ का आप ही के साथ तो था, शायद वो ट्रेन से उतर गया। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, ट्रेन नंबर 3-4-5-4-1 इज गोइंग टू डिपार्ट फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 4। वेलकम टू इंडियन रेलवे। तुम कहां चले गए थे? टॉयलेट गया था। अरे तो ट्रेन में जा सकते थे ना, इसे लेके जाओ। जी सर। चलता हूँ।